लिखते हैं तो उसको एहसास कहते हैं, ठीक है। मगर हमें कैश उसका रियलाइजेशन है, उससे हमको एहसास नहीं होगा। वहां पे आ जाता है आपका निपटान या प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति, नकद राशि की प्राप्ति हुई, इस टाइप का। तो जब मैं उसमें गूगल ट्रांसलेट की ना, तो उसने मेरे को एहसास दिखाया, मैंने उसे एडिट करके प्राप्ति कर दिया। कई बार बहुत सारे यूजर्स मिलके अगर उसको प्राप्ति प्राप्ति करेंगे ना, वो धीरे धीरे उसको अपडेशन ले लेता है वो उस तरह, और वो लिखता है मतलब कि हम यूजर्स, आप एज ए यूजर आपका ये कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, एंड इट विल बी, मतलब इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। तो गूगल का ना ट्रांसलेशन कॉन्स्टेंट अपडेट हो रहा है, विश्वास करिए। आज से 1-1.5 साल पहले भी ना गूगल ट्रांसलेट उतना अच्छा एक्यूरेट नहीं था, अभी के डेट में उसकी 70-80% की एक्यूरेसी है, बल्कि उससे ज्यादा हो रही है धीरे हाँ, ये धीरे। चीज मैंने भी नोटिस किया, गूगल ट्रांसलेट पूरा बेहतर होता जा रहा है। हाँ, पहले 2-3 साल, 2 साल भी, मतलब ये कांस्टेंट कई महीनों में चेंज हो रहा है। 2 साल पहले भी अगर आप वही राम आम खाता है तो लिखेंगे तो वो राम इज अ जनरल अकाउंट लिखता था, मगर अभी वो नहीं है। जैसे हाँ, ये मैं पिछले क्लास में बोली थी कि मेरा बहुत फेवरेट शब्द है वही क्रीमी लेयर वाला शब्द, कि मैं पहले लिखती थी क्रीमी लेयर तो उसको मलाईदार परत लिखता था, ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है। आजकल वो मलाईदार परत नहीं लिखता है, आजकल आप उसको लिखे लिखिएगा तो उसमें वो बहुत अच्छा, ये रुकिए मैं अभी अगर आपको लिख के दिखाऊं, क्रीमी जस्ट, मतलब पहले एक ऑप्शन दे रहा वो मलाईदार परत का, क्योंकि क्रीमी लेयर का वर्ड का मतलब मलाईदार परत ही है, मगर वो आजकल उसको क्योंकि, और वो रुकिए क्रीमी लेयर, ठीक है जी। चलिए हम नवोन्नत वर्ग, अच्छा, तो नवोन्नत वर्ग दैट इज द वर्ड। तो ये सब चीजें आपकी मशीनी मतलब सॉफ्टवेयर के अनुवाद में नहीं आती, क्योंकि वो खुद को अपडेशन नहीं कर रहा उस लेवल पे, वो ऑफलाइन है, तो इसीलिए ज्यादा यूज नहीं होती। वैसे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो दो दो सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर है, मगर लोग यूज नहीं करते धीरे धीरे वो कर, और गूगल मतलब रेडिली अवेलेबल है ना, आप बस गूगल नेट लाइए और कर दीजिए फटाफट, और ऑफलाइन ट्रांसलेट है, मतलब आप ऑफलाइन उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं, तो कम हो रहा है मगर है। जी 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 मैम, चलिए मैम शुरू करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी भी अच्छी संख्या में आ गए हैं जी। पहले मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जी 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 नहीं मैम, शुरुआत क्लास आरंभ करने से पहले एक विद्यार्थी साहब दीप्ति पानीग्राही जी के कोई है, वो बार बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो दीप्ति जी आपसे अनुरोध है कि स्क्रीन शेयर ना करें और अपने माइक को भी म्यूट रखें जी। थैंक यू, आपने माइक को म्यूट कर लिया, क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्ब होता है, आपकी जो भी आवाज है वहाँ पे, यहाँ पे इको होगी तो हल्का फुल्का एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर कोई बात नहीं। जी मैम, जी मैम, आपका प्रेजेंटेशन फोटो दोनों आ रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है, आवाज भी आपकी स्पष्ट आ रही है, तो स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। जी मैम, जी मैम, तो स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षा की श्रृंखला में। DFST के जो प्रथम छमाही के जो विद्यार्थी है उनके जो पहला पेपर है हिंदी भाषा तथा उसके विभिन्न प्रायोगिक, उसके ऊपर चर्चा बात करने के लिए, अपने विचार और व्याख्यान रखने के लिए आज पुनः एक बार मैडम तुलिका विश्वास जी हम लोगों के साथ मौजूद है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैडम से जब मैंने बात की इस विषय पर चर्चा करने, मैडम ने झट से मान ली, क्योंकि मैडम अभी कार्यालय हिंदी में ही कार्यरत है, MCL बुल्ला में बतौर राजभाषा अधिकारी सहायक प्रबंधक हिंदी में ही कार्यरत है, तो ये एक टॉपिक मैम का ही जोन का है, जिसको वो दिन रात इसी पर काम करती आ रही है लगातार कई वर्षों से, तो इसलिए मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे विश्वविद्यालय और मेरे हिंदी विभाग के परिवार की ओर से, आपको पुनः एक बार स्वागत है आज की इस ऑनलाइन चर्चा में, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बिना समय जाया किए आज के हम विषय पर बढ़ते हैं, और उसके उपरांत विद्यार्थियों को जो कुछ भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम लेने का प्रयास करेंगे जितना हो सके। विद्यार्थियों से एक अंतिम एक अनुरोध है कि अपने माइक को बीच में अनम्यूट ना करें, स्क्रीन को शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन चलने वाली है, स्क्रीन को शेयर करेंगे तो प्रेजेंटेशन बाधित होगी और आपको देखने में दिक्कत होगी। धन्यवाद मैम, आप चाहे तो आरंभ कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ तथा अभिषेक जी का और ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष अपनी बात रख सकूँ, आपसे कुछ शेयर कर सकूँ। यद्यपि यहाँ पे इंटरेक्शन की संभावना थोड़ी कम है, मगर जितनी भी है तो मेरी आपसे यह दिली गुजारिश है कि कोई भी सवाल या फिर आपके मन में कुछ भी बात है जो आप कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं,
आप चैट के माध्यम से हमें कह सकते हैं, जिससे कि आपसी संवाद हो तो सबसे बेहतर होता है। बाकी मैं कक्षा शुरू करती हूँ, और स्क्रीन शेयर के बारे में सर ने कह ही दिया है, चलिए और थोड़ी देर भी हो गई है तो कक्षा शुरू कर लेती हूँ। सबसे पहले ओडिशा ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार का एक विषय अपनी करिकुलम में रखा। पहले एक समय था जब हिंदी हिंदी की पढ़ाई जो होती थी वो साहित्य तक ही सीमित रहती थी, और कार्यालयीन हिंदी के बारे में ज्यादा लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं होता था। वह हिंदी साहित्य पढ़ के कार्यालयीन कार्यों में आते थे और उनकी ज्ञान उनका ज्ञान और अनुभव दोनों ही काफी सीमित रहता था। तो मगर आजकल यूजीसी के प्रयासों से और विश्वविद्यालयों के प्रयासों से फंक्शनल हिंदी यानी प्रयोजन मूलक हिंदी का भी एक सत्र शुरू हुआ है, और कार्यालयीन कार्यों की हिंदी जो आपकी साहित्यिक हिंदी से बहुत ही ज्यादा अलग है और उसे भी पढ़ने के लिए अभ्यास और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसे निरंतर रूप से प्रदान किया जा रहा है, उसके करिकुलम रखे जा रहे हैं, और ये काफी सराहनीय प्रयास है क्योंकि इससे जो बच्चे हिंदी पढ़ के हिंदी के क्षेत्रों में कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा अधिकारी या अनुवादक या स्टेनोग्राफर ऐसी जगहों पर या राजभाषा निदेशक के पोस्ट पर उनके पद पर जाके आसीन होंगे, तो उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण एक कक्षा है क्योंकि यही कक्षा यही सत्र उन्हें आगे के अपने करियर में और अपनी कार्यालयीन जीवन में कार्यालयीन दैनंदिन जीवन में उन्हें पूरी की पूरा मदद करेगा और उन्हें मार्गदर्शन देता रहेगा। चलिए और देर ना करते हुए मैं शुरुआत करती हूँ। हमारा यह सत्र है हिंदी भाषा तथा उसके विभिन्न प्रायोगिक रूप। हिंदी भाषा तथा उसके विभिन्न प्रायोगिक रूप। सबसे पहले जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है भाष व्यक्तायां वाची अर्थात व्यक्त वाणी, यानी भाष वही है जो व्यक्तायां वाची व्यक्त वाणी है, जो वाणी व्यक्त हो रही है वह भाष वही भाषा है। भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, यानी भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त होती है, जो अभिव्यक्ति की जा सकती है, जिसे ध्वन्यात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है उसे आप भाषा कहते हैं, तथा वही मतलब मन के विचार जो आपके ध्वनि संकेतों के हिसाब से अनुसार बाहर निकलती है उसे भाषा कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। इस बारे में कई विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है, समय अनुसार उन परिभाषाओं में बदलाव भी किया है, और अलग अलग विद्वानों की भाषा परिभाषाएं हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भारतीय विद्वानों पर। भारतीय विद्वानों में पतंजलि ने कहा है कि व्यक्तवाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः, यानी जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, जो वाणी वर्णों में शब्दों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। फिर उसके बाद आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास की एक परिभाषा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। जो आपके मन में कुछ इच्छा आई, आपने जैसे कोई भी भाषा है या कोई कम्युनिकेशन है जैसे संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण में दो तरह की चीजें होती है, पहला आपका एक रिसीवर एंड होता है और दूसरा आपका जो कह रहा है, तो एक आपका बोल रहा है एक सुन रहा है, तो उसमें जो बोलने वाले के मन में जो बात है उस बात को व्यक्त करके उस भाषा में व्यक्त करें, उस संकेतों के माध्यम से व्यक्त करें जो सामने वाले को समझ में आए। तो अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इसके बाद बाबूराम सक्सेना जी की एक
ये है परिभाषा है कि जिन ध्वनि सचिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप को ही भाषा कहा जाता है। भाषा और कुछ नहीं है, कुछ ध्वनि चिन्ह है, उन ध्वनि चिन्हों पर विचार विनिमय किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी जी की है, विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है। संकेतित शब्द समूह अर्थ के बिना कुछ नहीं है, अर्थ होना जरूरी है, जिसके द्वारा हम अपने विचार और मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। तो अर्थ होना जरूरी है, अर्थों के बिना शब्द संकेतों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके साथ भोलानाथ तिवारी जी की एक परिभाषा है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फल स्वरूप निश्चित प्रयत्न है, अनिश्चित नहीं है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आपको पता है, अगर आप राम कहना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप र और आ और म कहेंगे। तो निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित व सार्थक ध्वनि समष्टि है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ध्वनि समष्टि ही नहीं हो, सार्थक होनी चाहिए। मान लीजिए कल मैंने कोई एक शब्द ऐसा लिया, जैसे मैंने बोला हाउ, हाउ शब्द का, या मैंने जैसे अगर मैंने कहा कि मान लीजिए नी हाओ कहा मैंने, तो नी हाओ अगर मैं कहती हूँ हिंदी में, अगर आप हिंदी जानते हैं और मैंने नी हाओ कहा, तो उससे आप क्या उस बात को समझ पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी की भाषा में सम्मिलित नहीं है, मतलब वो भी एक ध्वनि समूह नहीं है। हिंदी में जैसे ध्वनि समूह होता है नमस्कार का या सुप्रभात का, नी हाओ का भी, नी हाओ भी एक ध्वनि समूह ही है, मगर सबसे जरूरी बात उसमें क्या है कि वो सार्थक नहीं है, यानी हिंदी भाषा में उसका कोई अर्थ नहीं है, उसे कोई अर्थ डिनोट नहीं किया गया है, उसके लिए कोई अर्थ रखा नहीं गया है। मगर वही आप अगर चीनी में जाए, चाइनीज मैंडरिन की भाषा में नी हाओ का अर्थ सुप्रभात हो जाता है। तो सार्थक ध्वनि समूह होना जरूरी है। तो निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप जैसे निश्चित में भी वही हुआ कि नी मैंने बोला तो मुझे नासाग्र का नेजल वॉइस का उपयोग करना पड़ा, तो उस निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित सार्थक ध्वनि समष्टि है, अर्थपूर्ण ध्वनि समष्टि जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सकता है। मैंने कहा, सामने वाले ने सुना, जिसने सुना वो उसे विश्लेषण कर पाएगा, अध्ययन कर पाएगा, उसे समझ पाएगा। अगर मैंने कहा और आपने नहीं समझा तो वो भाषा भाषा नहीं रही, वो एक ध्वनियों का एक निरर्थक समूह रहा, उसे फिर हम भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा में अर्थ होना आवश्यक है। उसी तरह भाषा के चार अंग भी कहा जाता है, इसलिए शब्द, वाक्य, ध्वनि और अर्थ, इन चार में से कोई भी अंग अगर नहीं है तो भाषा पूरी नहीं बनती है, भाषा सार्थक नहीं बनती है। जिस तरह शब्द का महत्व है, वाक्य का भी महत्व है, ध्वनि का महत्व है और अर्थ का महत्व है, तो चारों चीजों का होना अत्यधिक आवश्यक है, इसके बिना भाषा नहीं बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य विद्वानों में आते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने ये प्रेजेंटेशन बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग, मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, खैर कोई बात नहीं। पाश्चात्य विद्वानों में पाश्चात्य विद्वानों को मैं दिखाई जा रहा है तो काला हो गया ये, मुझे ध्यान नहीं और भी प्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं तो मैम, आप एक काम करता हूँ, आपने मुझे ये लिखा है तो उसे प्रेजेंट का काम नेक्स्ट पे येगा तो मैं चला देता हूँ। अच्छा, मुझे तो ये स्लाइड काली दिख रही है, मुझे भी पता नहीं, बार बार मैं आपको बता रहा, यू आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग, दैट्स व्हाई। एक सेकंड मैं करता हूँ प्रेजेंट मैम। सर आपका वाले में थोड़ा चेंज है, मैंने उसके बाद थोड़े बदलाव किए। अच्छा ठीक है, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप चाहे तो आप मुझे मेल कर दीजिए, हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आप मुझे मेल कीजिए, मैं साथ ही रन कर दूंगा। नहीं सर, मैंने एक ही स्लाइड, यही वाला पाश्चात्य वाला स्लाइड बदलाव किया। ठीक है सर, अभी दिखा रहा है, बाद में दिक्कत आती है तो फिर से दिखाना शुरू कर दिया।
अभी तक कोई ऐसे रुकाव नहीं हुआ था ना सर कोई? नहीं नहीं कोई रुकाव नहीं हुआ। ठीक है फिर मेरी मेरी ओर से कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है सर, वो कोई इशू नहीं है, जी जी मुझे थोड़ा टेंशन होगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो भाषा पाश्चात्य विद्वानों में आती हूँ। पाश्चात्य विद्वानों में भी भाषा में काफी लोगों ने काम किया है, उसमें आपका क्रोचे की अभिव्यंजनावाद काफी प्रसिद्ध है। उसी उन्हीं क्रोचे ने कहा है कि भाषा उस स्पष्ट सीमित सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। भाषा इसमें तीन चार चीजें हैं। भाषा स्पष्ट है, स्पष्ट भाषा अगर अस्पष्ट हो, अगर आप जो कह रहे हैं सामने वाले तक नहीं पहुंचे तो आपकी भाषा का कोई अर्थ नहीं है। सीमित हो, असीमित भाषाएं, मतलब किसी भाषा के अगर असीमित अर्थ है तो उससे क्या होता है कि अगर कोई असीमित अर्थ है तो आप एक अर्थ लेते हैं, सामने वाला दूसरा अर्थ लेता है और वो भाषा वो अच्छे से उसका संप्रेषण नहीं हो पाता है। और सुसंगठित ध्वनि होती है, अगर अगर सुसंगठित नहीं है तो उसके मतलब उससे फिर भाषा में भाषा के संप्रेषण में दिक्कत आती है। तो स्पष्ट सीमित और सुसंगठित ध्वनि जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। अभी किसी भी अभिव्यंजना के लिए अगर मान लीजिए मेरे दिमाग में गाय की छवि है तो गाय शब्द को उसके लिए नियुक्त किया गया है। गाय शब्द का अर्थ किसी दूसरी भाषा में दूसरा भी कुछ हो सकता है, मगर हिंदी में गाय गा की मात्रा और ये तीन ध्वनियों को गाय की अभिव्यंजना के लिए, गाय के स्वरूप को देखने के लिए ही उसे नियुक्त किया गया है। ए एच गार्डिनर का कहना है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। यानी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त और स्पष्ट, ये दोनों चीजें देखिएगा, सारे विद्वान एक ही बात पे ठीक मतलब एक ही बात पे वे सहमत है कि भाषा व्यक्त होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा सुस्पष्ट सुसंगठित होनी चाहिए, भाषा में अस्पष्टता किसी तरह से भी काम में नहीं है, तो उन्हें भाषा कहते हैं। ब्लॉक एंड ट्रेगर का कहना है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ पे एक शब्द आता है यादृच्छिक। यादृच्छिक इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो भाषा यादृच्छिक भी होनी चाहिए, यादृच्छिक का अंग्रेजी है आर्बिट्री, तो उस बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ध्वनि संकेतों की प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। अभिषेक जी मैं स्पीड तो नहीं भूल रही हूँ ना, एक बार बता दीजिएगा, वैसे मेरे को पता नहीं है। और नहीं, 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 सही है अभी ठीक है तो मतलब जी 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 बिल्कुल चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ और पाश्चात्य विद्वानों की अभिव्यक्ति में कहना चाहती हूँ, जिसमें हेनरी स्वीट उन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये बहुत ही अभी के बेसिक एक परिभाषा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, जबकि इसमें अभी आगे भी काम हुआ है और ये माना गया है, बाद के विद्वानों ने इस पे एक मत दर्शाया है कि भाषा में ध्वन्यात्मक शब्द ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, मूक भाषा भी भाषा कही जा सकती है। तो जरूरी नहीं है कि वो ध्वन्यात्मक हो, वो साइन लैंग्वेज भी हो सकता है, साइन लैंग्वेज को भी भाषा माने जाने की तगाद उठी है। मगर इसीलिए ये विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं वो समय अनुसार नई नई चीजें निकलती गई तो वो परिभाषाएं धीरे धीरे बदलती गई है। मगर कुछ चीजें हैं जो एकदम स्थित सतत है, वो कभी बदली नहीं है। मैक्स मुलर ने कहा है कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों को प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति के उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। इस बारे में कई कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं,
कुछ विद्वानों का मत है कि भाषा पूरी तरह से मनुष्यकृत है, मनुष्य ने भाषा को जन्म दिया है, और कुछ विद्वानों का इसमें ये मत है कि भाषा मनुष्य मनुष्य को मिली हुई प्रकृति प्रकृति दत्त एक प्रतिभा है, मनुष्य के अलावा किसी दूसरे प्राणियों को ये नहीं मिली है, और मनुष्य विचार विमर्श कर सकता है, सोच सकता है, चिंतन कर सकता है और नई भाषा का निर्माण कर सकता है, ये क्षमता उसे प्रकृति ने ही प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं, भाषा की विशेषताएं। भाषा की कई विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता यही है कि भाषा में ध्वनि संकेतों और वाक प्रतीकों का प्रयोग होता है। भाषा मूलतः दो चीजों पे होती है, वो एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है, लिखित बाद में आई, मौखिक पहले शुरू हुई। तो भाषा का सबसे मूल रूप है, सबसे मूल रूप है ध्वनि संकेत और वाक प्रतीक। तो भाषा वाक प्रतीकों और ध्वनि संकेतों के प्रयोग से ही बनती है। यह ध्वनि संकेत रूढ़ परंपरागत एवं यादृच्छिक होते हैं। यह ध्वनि संकेत परंपरागत होते हैं, यानी कि जो ध्वनि संकेत कोई रूढ़ होते हैं, जैसे वही मैंने कहा, अगर मैं कहती हूँ, मान लीजिए मैंने कहा सेब, अगर मैंने सेब कहा, तो जब मैं सेब कहती हूँ, आपके दिमाग में एक लाल रंग का सेब बन जाता है। तो वो क्यों बनता है? क्योंकि से और ब, हिंदी भाषा में ये से और ब, ये जो ध्वनि संकेत है, ये सेब के लिए, एप्पल के लिए रूढ़ हो चुके हैं, और ये परंपरागत है, क्योंकि ये चीज हमने खुद से नहीं बनाई, हमने किसी ना किसी से सीखी है और अनुकरण किया है। और यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक कैसे? कि मैं इसे सेब कहती हूँ और आप इसमें एक सेब समझ लेते हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा भाषी उसे सेब कह रहे हैं, अंग्रेजी भाषा भाषी उसे सेब नहीं कहते, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार उसका एक दूसरा उसे 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 एक दूसरी ध्वनि संकेत दे दिया, उसे एक दूसरा ध्वनि संकेत अलॉट कर दिया, यानी नियुक्त कर दिया उसके लिए, वो यादृच्छिक है। इन ध्वनि संकेतों से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति और पुनरावृत्ति हो सकती है। इन्हीं ध्वनि संकेतों से आपके मन में अगर है कि अगर आपके मन में सेब है, तो इन्हीं ध्वनि संकेतों से उसकी अभिव्यक्ति और पुनरावृत्ति होगी। यह ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ण विशेष के पारस्परिक व्यवहार एवं विचार विनिमय में सहायक होते हैं। तो यह ध्वनि संकेत किसी समाज और वर्ण विशेष के पारस्परिक व्यवहार और विचार विनिमय में, ये ध्वनि संकेत संपूर्ण विश्व के विचार विनिमय में सहायक नहीं है। कोई एक समाज, कोई एक वर्ण विशेष, यानी कि भाषा की जो सीमा है वो काफी सीमित है, वो वैश्विक रूप में नहीं है। अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ, तो ये हिंदी भाषी समाज तक सीमित है, मेरी भाषा किसी अंग्रेजी या चीनी भाषा भाषी समाज के लिए नहीं है, उन्हें मेरी बात नहीं समझ में आएगी। उसके लिए मुझे उनकी उनकी ध्वनि संकेतों को सीखना पड़ेगा, एक तरह से देखा जाए तो उनकी भाषा को सीखना पड़ेगा, उनके वाक प्रतीकों को सीखना पड़ेगा। तो किसको ये ध्वनि संकेत समाज या किसी सीमा में सीमित है और उसी में बद्ध है, उसके बाहर जाने पर आपके ध्वनि संकेत बदल जाते हैं और उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। प्रत्येक वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत यादृच्छिक होते हैं तथा प्रत्येक भाषा में वे पृथक पृथक होते हैं। इस बारे में मैंने बात कर लिया है कि ध्वनि संकेत यादृच्छिक है और पृथक पृथक है। वक्ता और श्रोता के पारस्परिक विचार विनिमय के लिए आवश्यक है कि वह समान भाषा भाषी हो। यही जरूरी है कि अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो सामने जो श्रोता है मेरा, जो मुझे सुन रहा है, जिसके लिए मैं कह रही हूँ, वो जरूरी है कि उसे हिंदी आनी चाहिए। अगर उसे हिंदी नहीं आती है, तो मेरी जो भाषा है वो उसके लिए महज कुछ ध्वनि संकेतों के बराबर है। इस यही कारण है कि दक्षिणी भाषा अगर हमें नहीं आती है, तो वो हमें बहुत ही अटपटी लगती है, और वो क्योंकि वो हमारे लिए महज कुछ ध्वनि संकेत होते हैं। यह ध्वनि संकेत उच्चारण के लिए उपयोगी बने शब्दों में व्यक्त होते हैं। उच्चारण के लिए जो उपयोगी जो शब्द है, इनमें ये ध्वनि संकेत व्यक्त होते हैं। प्रत्येक भाषा की निजी पद्धति एवं व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा ने अपने हिसाब से पद्धति सिलेक्ट कर ली और व्यवस्था सिलेक्ट कर ली। इस बारे में मैं आगे बात करूंगी। यह ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं जिनका वर्गीकरण, विश्लेषण एवं अध्ययन किया जा सकता है।
ये ध्वनि संकेत सार्थक है, अर्थपूर्ण है, उनका वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप हिंदी में जाए तो आपके ध्वनि संकेत किन वर्गों में है? आपके ध्वनि संकेत है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, यानी तालु तालव्य है, मूर्धन्य है, या फिर नेजल है। तो ऐसे अलग अलग वर्ग आप कवर्ग टवर्ग में भी वर्गीकरण कर सकते हैं, स्वर व्यंजन में भी वर्गीकरण कर सकते हैं, या आप मुख के किस भाग से बोल रहे हैं उस हिसाब से भी आप उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अंग्रेजी में जाए तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, इस हिसाब से आप उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इनका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। तो विश्लेषण और अध्ययन करने के लिए विश्लेषण और अध्ययन जिस तरह किया जाता है उसे उसे भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा के लक्षण, भाषा के कितने लक्षण हैं? भाषा का सबसे पहला लक्षण जो मैंने बात किया वो है यादृच्छिकता। यादृच्छिकता आर्बिटरी, यानी जो मन आए वैसा। कोई भी भाषा एक तरह से नहीं बनती है। मान लीजिए मैं आप लोग की सुविधा अनुसार मैं हिंदी और अंग्रेजी की बात करती हूँ। हिंदी हिंदी और अंग्रेजी दोनों दो अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। दोनों भाषाओं में कुछ खास मेल नहीं है। कारण क्या है? दोनों ही भाषाएं हैं। कारण यही है कि भाषा का सबसे बड़ा लक्षण यादृच्छिकता है, यानी यादृच्छिक आर्बिट्री। आप अपने हिसाब से भाषा में परिवर्तन कर सकते हैं, मगर इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो मैं आगे चर्चा करती हूँ। मगर यादृच्छिकता में जैसे हिंदी भाषा में अगर लिया जाए, मान लीजिए आपका आप वाक्य विन्यास लीजिए तो वाक्य विन्यास में आप पाते हैं, एक मिनट, यादृच्छिकता। तो वाक्य विन्यास आप पाते हैं कि हिंदी में जब आप वाक्य विन्यास में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में जाते हैं, यानी आप पहले सब्जेक्ट बोलते हैं, राम बोलते हैं, फिर राम आम खाता है। राम सब्जेक्ट, आम ऑब्जेक्ट, और खाता क्या है? आपका वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया। तो जैसी आपकी इच्छा है उस तरह से आप उसको संगठित कर सकते हैं। और मगर आप जब अंग्रेजी में जाते हैं तो राम आम खाता है, इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? राम ईट्स अ मैंगो। तो आपका सब्जेक्ट हो गया राम, मगर आपका वर्ब आ जाता है पहले, यानी आपका आपकी क्रिया पहले आ गई। तो राम ईट्स, तो ईट्स क्या हुआ? आपका क्रिया हो गई। तो वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से है। हिंदी क्या है? आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का पैटर्न है, और अंग्रेजी है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न है। दोनों अलग अलग पैटर्न क्यों है? क्योंकि भाषा किसका सबसे बड़ा लक्षण है कि वो जैसी इच्छा है, इच्छा बन सकती है, समाज की इच्छा अनुसार उसको किया जाता है, समाज की इच्छा अनुसार उसे बनाया जाता है। जैसे हिंदी में आप पानी शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे जल का भी करते हैं। तो पानी और जल शब्द आपका उस चीज के लिए रूढ़ है जो आप पीते हैं, या पानी के लिए रूढ़ है, मगर अंग्रेजी के लिए नहीं है। अंग्रेजी में आप वाटर यूज करते हैं, फारसी में आप आब यूज करते हैं, रूसी में बदा शब्द यूज करते हैं, बंगला में जल शब्द यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी भाषाओं के शब्दों में आप यादृच्छिकता पाते हैं। तो देखा जाए कि आप ये भाषा का शब्द के लक्षण में यादृच्छिक, जैसी इच्छा उस तरह से आप भाषा का अपने हिसाब से समाज गठन कर सकता है। दूसरा है सृजनात्मकता। भाषा का दूसरा लक्षण है सृजनात्मकता। आपके पास चार शब्द अगर दिया जाए, राम आम खाता है, आपके पास चार शब्द है, आपको एक बात कहनी है कि राम आम खा रहा है, तो आप उसको तीन चार तरीके से बोल सकते हैं, तीन चार नए नए शब्द वाक्यों का सृजन कर सकते हैं। पहला वाक्य क्या है? राम आम द्वारा राम आम खाता है। दूसरा है राम के द्वारा आम खाया जाता है। तीसरा है आम राम के द्वारा खाया जा रहा है। इस तरह से आप मतलब तीन चार चीजें आप एक साथ कह सकते हैं और आपकी
मतलब आप नए नए वाक्यों का सृजन कर सकते हैं, इसके साथ आप नए नए शब्दों का भी सृजन कर सकते हैं, परंतु वह सृजन सामाजिक दायित्व के साथ आता है। एक व्यक्ति विशेष समाज का शब्दों का सृजन नहीं कर सकता है, वह कालांतर से धीरे धीरे शब्दों का सृजन होता है, जैसे जैसे जरूरत महसूस होती है शब्दों का सृजन होता है और वह भाषा में जुड़ती चली जाती है। जैसे आज से 50 साल पहले शायद इंटरनेट नाम का कोई शब्द था ही नहीं, और अगर था तो वो इंटर और नेट के हिसाब से यूज होता होगा, अभी के हिसाब से वो यूज नहीं होता होगा। या फिर आज से करीब 100-150 साल पहले टेलीफोन शब्द का कोई यूज नहीं था, तो टेलीफोन कोई शब्द ही उस समय नहीं बना था, मगर धीरे धीरे जब सृजनात्मकता की जब जरूरत पड़ी तो नए शब्दों का सृजन कर लिया गया, नए वाक्यों का सृजन कर लिया गया, तो उस तरह से भाषा नए नए शब्दों को भाषा में सृजनात्मकता होती है, उसका एक बहुत बड़ा लक्षण सृजनात्मकता है। तीसरा है अनुकरण ग्राह्यता। कोई भी भाषा आपकी बिना अनुकरण के नहीं बनी है, यानी कि आप खुद से कभी भाषा का सृजन नहीं करते हैं, आपको समाज से उसे अनुकरण करना पड़ता है। बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा अनुकरण करके सीखता है। जब बच्चा सीखता है तो बच्चे को शब्द का अर्थ नहीं पता होता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, मगर वो क्या करता है, वो सिर्फ अनुकरण करता है। अगर माँ बाप हिंदी में बात कर रहे हैं तो बच्चा कभी भी तमिल नहीं सीखेगा, बच्चा हिंदी भाषा ही सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसे अनुकरण से ग्रहण किया है। इसे ही अनुकरण ग्राह्यता कहते हैं। भाषा अनुकरण की चीज है। जब तक आप भाषा में अनुकरण ग्राह्यता नहीं लाएंगे तो आप भाषा सीख नहीं सकते हैं। तो कई बार हम नई भाषा सीखने जाते हैं तो हमारे सामने कई बार ये बहुत समस्या आती है कि हम अर्थ देखें कि भाषा सीखे, बड़ा दिक्कत है, बड़ी समस्या होती है कई बार। तो ऐसी स्थिति में अनुकरण ग्राह्यता को जरूर देखें, पहले उसे अनुकरण करना सीखे और बाद में उसके शब्दों का, पहले उसे बोलना सीखे कि उसमें किस तरह से बोला जा रहा है, धीरे धीरे उसके शब्दार्थों को चुने और उस तरह से उसे आप सीख सकते हैं। भाषा सीखने में अनुकरण ग्राह्यता को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। चौथा है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता भाषा का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षण है। परिवर्तनशीलता के कारण भाषा को बहता नीर कहा गया है। भाषा तालाब नहीं है, भाषा एक बहता नीर है। भाषा पर निरंतर रूप से परिवर्तन हो रही है। जो भाषा परिवर्तन होना भाषा परिवर्तन होनी बंद हो जाती है जो भाषा परिवर्तित होनी बंद हो जाती है वो भाषा स्टैग्नेंट हो जाती है और कालांतर में वो भाषा खत्म हो जाती है, क्योंकि समय निरंतर बदल रहा है मगर और भाषा को उसी हिसाब से बदलना जरूरी है। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे लैटिन या संस्कृत जैसे कुछ पुरानी भाषाएं हैं, उन्हें मानव ने जबरदस्ती उन्हें रोकने की और उन्हें स्टैग्नेंट करने की कोशिश की है, उसमें परिवर्तनों को का स्वागत नहीं किया गया है, उससे उस भाषा का नुकसान ही हुआ है, क्योंकि भाषा परिवर्तन होती है। सबसे पहले हमारे पास पाली भाषा थी, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट और कालांतर में हिंदी, फिर खड़ी बोली का भी धीरे धीरे विकास होता है। उसी से पता चलता है कि परिवर्तन सब भाषा का एक बहुत बड़ा लक्षण है। एक भाषा 100 वर्ष पहले जैसी थी आज वैसी नहीं है, और आज से 100 वर्ष बाद भी वैसी नहीं रहेगी। यदि आप समझते हैं कि आप एक आप इस भाषा को इस तरह से बोलते हैं और सामने वाला गलत बोल रहा है, आपकी अगली पीढ़ी कुछ अलग ही बोल रही है और आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप कालांतर में आपकी भाषा खत्म हो जाएगी और अगली पीढ़ी की भाषा ही रहेगी, क्योंकि और परिवर्तन को स्वीकार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे संस्कृत भाषा में, संस्कृत में कर्म एक शब्द है, वो प्राकृत काल में कग्म हो गया और उसके बाद आधुनिक काल में धीरे धीरे काम बन गया, कर्म से वो काम बन गया। तो परिवर्तनशीलता भाषा का एक बहुत बड़ा लक्षण है, मगर परिवर्तनशीलता मानव भाषा का लक्षण है। पशु पक्षियों की भाषा में परिवर्तनशीलता नहीं पाई जाती है, और ये एक लक्षण है जो बहुत धीरे धीरे समझ में आती है, बहुत एक समय लगता है, धीरे धीरे समझ में आती है।
जैसे अभी अभी के अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो अभी भी भाषा निरंतर परिवर्तित हो रही है, धीरे धीरे कुछ संकर भाषाएं बन रही है, संकर यानी दोनों की मिश्रित हाइब्रिड भाषाएं बन रही है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और बंगला, अलग अलग भाषाओं का मेल हो रहा है, तो भी ये वो भी एक भाषा का परिवर्तन ही है। सामाजिकता, भाषा सामाजिकता से आती है, जब तक आपके साथ एक समाज नहीं है आप वह भाषा सीख नहीं सकते हैं, तो सामाजिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और भाषा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा जैसे मोगली, मोगली अभी जंगल बुक तो आप लोगों ने देखी होगी, तो मोगली अभी भेड़ियों के साथ जाके रहने लग गया, तो मोगली ने वहां पे जाके भेड़िए की भाषा ही सीखी, इंसान की नहीं सीखी। क्यों? क्योंकि उसे इंसान मानव का वो समाज नहीं मिला। तो सामाजिकता बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब तक आपके पास समाज नहीं है तब तक आप वो भाषा नहीं सीख सकते। भाषा सामाजिक संपत्ति है, तो उसी तरह समाज के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। कई बार पाया जाता है कि हम कई बार नई भाषा सीखने जाते हैं मगर उस भाषा का हमें समाज नहीं मिलता, तो अगर हम उसे बहुत मेहनत से सीख भी लेते हैं, आजकल लोग बहुत स्पेनिश या यूरोपियन की अलग भाषाएं सीखने जाते हैं और कोशिश भी करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वे कहते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है, कोई बोलता नहीं है तो भूल गया। कई बार लोग हिंदी सीखते हैं, अहिंदी भाषी लोग हिंदी सीखते हैं, अहिंदी तो बोलते नहीं है, हिंदी तर भाषी लोग हिंदी सीखते हैं, फिर वो जाके हिंदी तर क्षेत्रों में जाते हैं हिंदी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो हिंदी भाषा भाषी समाज नहीं मिला। तो सामाजिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है भाषा का। परंपरागत, भाषा परंपरागत होती है, कोई भी आदमी नई भाषा का सृजन नहीं कर सकता है। कई बार हुआ है सर कि नई नई भाषाओं का कृत्रिम सृजन हुआ है मगर वह भाषा ज्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि भाषा परंपरागत चीज है। भाषा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। प्रत्येक भाषा भाषी समाज के सदस्यों को भाषा परंपरा से प्राप्त होती है। एक शिशु अपने माता पिता और समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त करता है, एक छात्र अपने शिक्षक से प्राप्त करता है, तो वो पीढ़ियों से वो परंपरागत रूप से चलती है और पीढ़ियों से वो सुसंस्कृत और परिमार्जित होती चलती है। तो ये काफी एक दीर्घ और लंबी परंपरा का फल है। अगर कोई भाषा, कोई भी भाषा, सिर्फ हिंदी ही नहीं वरन आप कोई भी भाषा ले लें, उसकी एक आपको एक सुदीर्घ परंपरा दिखेगी। वो भाषा अचानक से एक दिन उदय नहीं हो जाती है, भाषा को बनाने में समय लगता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह चलता है। ये एक पीढ़ी तक नहीं वरन कई पीढ़ियां उसके पीछे लग जाती है। सार्वजनिक संपत्ति, भाषा का बहुत एक बड़ा लक्षण है। भाषा एक सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर सबका अधिकार है, यानी कि भाषा किसी व्यक्ति विशेष की या वर्ण धर्म समाज या देश की संपत्ति नहीं है। अगर मैं हिंदी कहती हूँ, हिंदी में बात करती हूँ, तो ये सिर्फ मेरे देश की भाषा नहीं है, एक विदेशी भी हिंदी को उतनी अच्छी तरह से पढ़ सकता है और सीख सकता है जितना कि मैं सीख रही हूँ। या अगर मैं अरबी सीखना चाहूँ तो अरबी सिर्फ महज अरबी भाषा भाषी लोगों तक सीमित नहीं है और उसे दूसरे भी सीख और पढ़ सकते हैं, उसकी समझ बना सकते हैं। जब जब भाषा को सीमित करने का प्रयास किया गया वो भाषा फिर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई। भाषा की बहुत बड़ा लक्षण है जटिलता से सरलता। जटिलता से सरलता को यूं समझें कि पहले के जमाने में हिंदी में बहुत सारे वर्ण हुआ करते थे जो आजकल प्रयुक्त नहीं होते। ल के करीब 3 से 4 अलग अलग ल, री, ली, अलग तरह से उच्चारण किए, फिर ली करके चलता था, फिर धीरे धीरे उन्हें समाप्त कर दिया गया, या वो कह सकते अपने आप समाप्त होता गया, क्योंकि भाषा की सबका एक बहुत बड़ा लक्षण है कि वो जटिलता से सरलता की ओर जाती है। भाषा मुख सुख की ओर बढ़ती है, यानी जो आपको कहने में आसानी लगे, जो आप आसानी से कह पाए। अगर अगर आप मान लीजिए वही कर्म का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, कर्म कहना मुश्किल है, काम कहना आसान है। तो उसी तरह से क्या कहते हैं, और भी अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है मेरे, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मतलब आपका
आपके कालांतर में जैसे चंद्र कहना मुश्किल है मगर चांद कहना आसान है, चंद्र धीरे धीरे जटिल से चांद बनता गया और सरल होता गया। ऐसे बहुत सारी भाषाएं आपको भी पता होंगी, बहुत सारी ऐसी शब्द हैं जो पहले जटिल थी और वो धीरे धीरे सरल होती गई। इसी तरह से संस्कृत से अपभ्रंश और अवहट का उदय होता है क्योंकि संस्कृत बोलने में थोड़ी जटिल थी और अवहट उसका सरलीकृत रूप था। तो भाषा की सबसे बहुत एक अच्छी प्रवृत्ति ये रही है कि वो जटिलता से सरलता की ओर बढ़ती जाती है, सरल होती जाती है और मतलब उसी सरलता के प्रभाव में नई नई नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं। भाषा का एक और लक्षण है, भाषा अविच्छिन्न प्रवाह है, भाषा टूटती नहीं है। वह अगर भाषा एक से दूसरे रूप में बदलती है मगर उसका प्रवाह अविच्छिन्न रहता है। आप भाषा का कोई भी अगर हिस्ट्री ट्रेस कर ले तो आप एक लंबी जो आपको एक दीर्घ परंपरा मिलेगी और वो अविच्छिन्न नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाषा बीच में रुक गई और उसके बाद चल गई। कई बार भाषाएं मृत हो जाती है, उन्हें फिर से रिवाइव किया जाता है मगर वो कृत्रिम होता है, वो भाषा का लक्षण नहीं है। जैसे इसमें कहा जाएगा जैसे यहूदी भाषा है, इसराइल की जो अभी भाषा है हिब्रू बीच में भाषा मृत प्राय हो गई थी, उसे फिर से रिवाइव करके उसे राष्ट्रभाषा बनाया गया। तो भाषाएं भाषा उसका प्रवाह रुक गया मगर वो एक मानव जन्य है, उसे फिर से रिवाइव किया गया है। मगर भाषा का एक स्वाभाविक लक्षण है कि वो अविच्छिन्न प्रवाह होती है, वो परिवर्तनशील होती है मगर वह उसका प्रवाह रुकता नहीं है, वह अपने प्रवाह में बहती चली जाती है। इसीलिए कहा भाषा को बहता नीर कहा गया है। इसके अलावा भाषा के और भी कुछ लक्षण है, जैसे भाषा अपने आप में स्वतंत्र होती है, उसका उसके सारे उसके अर्थ जो है वो पृथक पृथक होते हैं। हर भाषा अपने अपने आप में पूर्ण होती है, वह शब्दों के अर्थों को अपने के लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। और भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है, उसे आपको सीखना पड़ता है, वो जन्म सिद्ध आपको नहीं मिलती है, आपको उसे अर्जन करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अनुकरण करना पड़ता है और उसे सीखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ आपके भाषा के लक्षण है सर। आगे बढ़ते हैं भाषा के विविध रूप जिस पर हमारी चर्चा है। भाषा कई प्रकार के रूपों में पाई जाती है और सब रूप अपने से अलग अलग होते हैं। हर भाषा अपने अलग अलग रूपों में, और ये रूप कैसे आए, ये रूप उसी सिलसिले में आए कि जैसे आपकी आवश्यकता है भाषा ने अपने आप को उस प्रकार से ढाल लिया। भाषा का जो आपका लक्षण था कि वो परिवर्तनशील है, तो भाषा के अलग अलग रूप इस परिवर्तनशील और यादृच्छिकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। अलग अलग भाषा जगह पे अलग अलग तरह की भाषाएं बल जबकि एक ही भाषा के 5 से 6 तरह के रूप है और दो कई रूप एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। वो किस लिए, जिस तरह से ये बना सरकमस्टेंसेस बने, जिस तरह की स्थितियां बनी उस तरह से उन भाषाओं ने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया, उस तरह से खुद को परिवर्तित कर दिया और उस तरह से खुद को बना लिया। तो इसमें सब कौन कौन से रूप है, मुख्य जो आपके सिलेबस में है वो रूप है आपकी बोलचाल की भाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा आपके सिलेबस में नहीं है मगर मैंने उसको रखा है क्योंकि ये काफी एक महत्वपूर्ण भाषा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो इसके अलावा और भी कई रूप हैं, उसमें आपकी साहित्यिक भाषा आती है या आपकी राज्य की भाषा आती है या फिर आप ये आपकी हाँ प्रवासी भाषा एक अलग आती है, फिर इस तरह की कुछ और भी रूप है मगर मुख्य जो मेन है कि बोलचाल की भाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाषा के विविध रूप। सबसे पहले आता है सर बोलचाल की भाषा। इसका कोई सवाल है क्या? नहीं, अच्छा रविशंकर जी आप सवाल कर सकते हैं अगर है तो, या फिर चले गए पता नहीं, मैं तो बोलती गई मैंने थोड़ा देखा नहीं। हाँ है तो सर कोई भी आप सवाल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ लौह पथ गामिनी से ट्रेन या रेलगाड़ी हमेशा सही बात है। मैं एक्चुअली वो उसमें चली गई थी, और कौन में चली गई थी, बोलचाल की भाषा। भाषा की सबसे सरल रूप में आता है सर बोलचाल की भाषा, भाषा का सबसे सरलीकृत रूप आपका वो बोलचाल की भाषा है। जो भाषा आपके घर की भाषा है आप उसको रेगुलरली बोलते हैं, आप कहते सुनते हैं। वो एक कविता थी ना आपकी, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गीत आपको सुनाता हूँ, ये वही बात है। जिस भाषा को आप ओढ़ते बिछाते हैं मतलब आप उसको अपने साथ लेके चलते हैं, आप उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं, उसे आप बोलचाल की भाषा कहते हैं, यानी जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। इसकी बहुत बहुत कुछ लक्ष्य विशेषता है कि ये बड़े और विस्तृत क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसमें मतलब एक विस्तृत क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सहज और सरल होती है। बोलचाल की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसे आपको सीखने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। कई बार होता है, जैसे मैं उड़ीसा के बाहर की लड़की हूँ, अभी मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उड़िया में कौन सी भाषा सीखूंगी? वह भाषा जो मेरे आस पड़ोस के लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं। आपकी जो साहित्यिक भाषा है उसे सीखने में मुझे समय लगेगा, मेहनत लगेगी, मगर बोलचाल की भाषा मैं नहीं सीख जल्दी सीखने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सहज सरल बोधगम्य और संप्रेषणीय है। बोधगम्यता और संप्रेषणीयता यानी वो जल्दी समझ में आती है, जल्दी उसे आप संप्रेषण कर सकते हैं, उस पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, उसमें आपको ज्यादा ये मतलब आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप सहज और सरल रूप से उसे कह सकते हैं। सतत परिवर्तनशील होने के कारण इसमें भिन्नता पाई जाती है, यानी ये सतत परिवर्तनशील है। मतलब जैसे कहा जाता है कि 3 कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी, तो उसी तरह से हर जगह 4 4 कोस में ये भाषा बदलती चली जाती है, नए नए शब्द आते चले जाते हैं। अभी आप उड़ीसा में ही ले लें तो पश्चिमी उड़ीसा में जो भाषा बोली जाती है वो आप ब्रह्मपुर चले जाएंगे तो आप उस भाषा को नहीं पाएंगे, या आप कटक चले जाएंगे तो आपकी भाषा बदल चुकी होगी, परंतु रहेगी वो उड़िया ही, मगर वो बोलचाल की भाषा है क्योंकि वो भाषा बदलती चली जाती है, उसमें अलग अलग शब्द घुसते चले जाते हैं। कई बार बोलचाल की भाषाओं में इतना अंतर आ जाता है कि एक ही भाषा के दो अलग अलग बोलचाल की भाषाओं में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बोलचाल की भाषा बोलने वाला दूसरी नहीं समझता है, तो इसमें क्षेत्रीय प्रभाव अत्यधिक रहता है। आपकी बोलचाल की भाषा में क्षेत्रीय प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। इसमें उदाहरण ले, हिंदी इतने तरह से बोली जाती है कि उसकी जैसे हरियाणवी है, हड़ौती है, या आप अगर उत्तर में जाएंगे तो हरियाणवी या फिर कुमाऊनी गढ़वाली मिलेगी, और आप इधर दक्षिण में आ जाएंगे तो हैदराबाद में आपको हैदराबाद की दक्षिणी हिंदी बोलेगी। दक्षिणी हिंदी कैसे, ए तू काई को बोला रे, या तू मेरे को क्यों बुलाया रे, इस टाइप की हिंदी। या फिर आप अगर मुंबई आ जाएंगे तो मुंबईया हिंदी मिलेगी, मुंबईया हिंदी कि अपुन तो तेरे वहां पे गया था, तू ही नहीं था, तो और वो तू शब्द का जिस तरह प्रयोग करते हैं, वो तू मतलब किसी से तुम करके बात करने में वो तू शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां पे वो अपमानजनक नहीं होता है, मगर उसी तू को आप अगर यहाँ प्रयोग करें, उड़ीसा में प्रयोग करें, तो उस तू का वो तू एकदम घोर अपमानजनक है, आपने हमें तू कैसे बोला आप। या फिर आप लखनऊ चले जाए तो वो आपसे नीचे बात ही नहीं करते हैं। तो बोलचाल की भाषा में इतनी विविधता आती है कि उसमें क्षेत्रीय प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरह से आप बंगाल चले जाए तो आप वहां पे बड़े बुजुर्गों को बोला जाता है, मगर आप हिंदी भाषी क्षेत्रों में आए तो किसी भी अनजाना व्यक्ति से आप करके बात कर सकते हैं। तो बोलचाल की भाषाओं में क्षेत्रीय प्रभाव अत्यधिक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक भाषा। मानक भाषा बोलचाल की भाषा का ही एक परिनिष्ठित रूप है। इसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, साधु भाषा कहा जाता है, नागर भाषा कहा जाता है, और अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। यही परिनिष्ठित भाषा आपकी किताबों में पाई जाती है। जैसे उड़ीसा में अभी तक में परिनिष्ठित भाषा आपकी कटक साइड में जो बोली जाती है वो परिनिष्ठित भाषा है, और वो साहित्य की भाषा है।
मानव भाषा और साहित्यिक भाषा में बहुत ही छोटा सा अंतर रहता है। साहित्यिक भाषाओं में आपको साहित्यिक भाषा नए शब्दों को लेने लेने में ज्यादा ओपन रहती है, वो नए शब्दों का उसी बहुत खुले रूप में स्वागत करती है, क्योंकि साहित्य या रिसर्च साहित्य शोध से संबंधित है, साहित्य और शोध का बहुत ही गहरा संबंध है, और साहित्य में नए शोध करके नए शब्द अगर रच रहे हैं, नए शब्द आ रहे हैं, उनका साहित्य बहुत खुले दिल से स्वागत करता है। मगर मानव भाषा किंचित रूढ़ भाषा है, साहित्यिक भाषा साहित्यिक शब्दों में कुछ अगर नए शब्द आए तो साहित्यिक भाषा ने उसे लिया, उसे एक कालांतर में उसे जब तक ये मान मतलब उसका मानकीकरण जब तक नहीं होता, उसे एक दर्जा जब तक नहीं मिलता, तब तक वो मानव भाषा में नहीं आती है। ये एक बहुत छोटा सा अंतर है मानव भाषा और साहित्यिक भाषा में। साहित्यिक भाषा एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा ओपन है, वो नई नए नए शब्दों नए नए वाक्य संग्रह और नए नए एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादा खुला है। साहित्यिक भाषा की बात तो मानव भाषा सर्वमान्य होती है, मानव बोलचाल की भाषा सर्वमान्य नहीं होती है, वो क्षेत्रों के हिसाब से बदलती चलती है, मगर मानव भाषा सर्वमान्य होती है। अगर मानव भाषा में क्या कहते हैं, मानव भाषा में तू तू शब्द इनफॉर्मल है और सम्मान बोधक नहीं है, अगर मानव भाषा में वो सम्मान बोधक नहीं है तो वो नहीं है सम्मान बोधक। चाहे आप मुंबई में जाके बोले या मुंबई में जाके कोई किसी किताब में मानव भाषा लिखे या फिर उत्तर प्रदेश के मानकीकरण में जाए, दोनों की मानकीकरण बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड वही है, उसके स्टैंडर्ड में तू इनफॉर्मल वर्ड है, तुम या आप आपका तुम सेमी फॉर्मल और आप फॉर्मल है। यह भाषा शुद्ध और परिनिष्ठित होती है। इसमें जैसे परिनिष्ठित होने का भी सर इसमें अलग अलग ये है आपका अलग अलग उसकी मापदंड अलग अलग है। इसमें भाषा पर भाषा टू भाषा ये वेरी करता है। जैसे हिंदी की परिनिष्ठित भाषा अगर खड़ी बोली हिंदी ले जिसे भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, खड़ी बोली हिंदी, उस भाषा की परिनिष्ठित रूप क्या है, अगर उसमें तत्सम शब्दों का योग है, तत्सम तद्भव तो पता होगा उस स्कूल में पढ़ाई जाती है, खैर मैं थोड़ा छोटा सा बता दूंगी। तत्सम शब्द यानी संस्कृत से लिए गए जो शब्द है, संस्कृत से वैसे के वैसे उठाए गए शब्द, जैसे चंद्र या जल, जल तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्दों का आधिक्य होता है, वो भाषा परिनिष्ठित होती है। मगर आप हिंदुस्तानी में चले जाए, हिंदुस्तानी हिंदी का ही एक दूसरा रूप है, उसमें परिनिष्ठित अगर हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी शब्द आपका उसमें अरबी फारसी के शब्दों का ज्यादा आपका प्रयोग होता है। तो जैसे आप अगर आप परिनिष्ठित हिंदी बोल रहे हैं तो खैर मैडम धन्यवाद, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं तो पढ़ा रही हूँ। चैट में मैडम ने लिखा है बारिश हो रही है, खैर मेरे यहाँ नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या बारिश हो रही है कुछ शब्दार्थ करना है क्या? बारिश भी बारिश जैसे तद्भव है सर, बारिश तद्भव है, तत्सम वर्षा है, तो वर्षा को परिनिष्ठित हिंदी माना जाता है और वो शुद्ध हिंदी है। मगर वही आप अगर चले जाए अगर हिंदुस्तानी में या फिर मान लीजिए अभी जो हिंदी जैसे उर्दू या फिर हिंदुस्तानी जहाँ पे बोली जाती है, जो अभी जिसे अभी राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है मगर अभी वो भी हिंदी का एक अंग है, उसका परिनिष्ठित है कि जैसे अगर आप आए हैं तो तशरीफ लाइए, तशरीफ भी बहुत ही एक परिनिष्ठित शब्द है, बहुत ही शुद्ध उर्दू का फारसी से लिया हुआ एक शब्द है, मगर वो खड़ी बोली हिंदी में उसका प्रयोग नहीं है, वो हिंदुस्तानी का परिनिष्ठित अंग है। तो परिनिष्ठित कोई भी शब्द जिसका जो सुसंस्कृत है वो शुद्ध और परिनिष्ठित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के अनुसार ही लिखी या बोली जाती है, मानव भाषा व्याकरण के अनुसार लिखी जाती है। अगर मैं बोलचाल की भाषा में तू काइकू बोरा बोला रे बोलूं तो वो कतई मानव भाषा नहीं है, क्योंकि वो व्याकरण सम्मत नहीं है। जैसे कई बार बोलचाल की भाषा में वो लोग बोलते हैं कि अरे ट्रेन आ गया, अधिकांश गैर हिंदी भाषी में बहुत लोग बोलते हैं ट्रेन आ गया या बहुत बहुत बड़ा किताब है, तो व्याकरण सम्मत नहीं है, क्योंकि व्याकरण में किताब स्त्रीलिंग है और किताब स्त्रीलिंग है तो आपका वो किताब आपकी बहुत अच्छी है या ट्रेन आ गई है, तो व्याकरण सम्मत होना बहुत जरूरी है।
व्याकरण सम्मत होने के साथ उसमें निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता होती है, क्योंकि वो मानक हो चुका होता है, वो रूढ़ हो चुका होता है, तो उसे वो एक निश्चित अर्थ संप्रेषित करता है। इसमें एक शब्द लूंगी सर मैं, जैसे अनाज, अनाज एक शब्द है सर, बंगला में अनाज, हिंदी में अनाज का क्या अर्थ है? हिंदी में अनाज का अर्थ है कि धान या गेहूं, बंगला में अनाज का अर्थ है सब्जियां, सब्जियों को बंगला में अनाज कहा जाता है, मगर हिंदी में वो अनाज है। तो जब बंगला भाषा भाषी हिंदी के अनाज शब्द का प्रयोग करते, हिंदी में बात करते हैं, तब वो अनाज का मतलब सब्जी लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी उसमें क्षेत्रीयता का प्रभाव आ गया है और उन्होंने उसे उसी तरह से ग्रहण किया है। मगर जब आप मगर अगर आप मानक हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप बंगला में हो, आप बंगला में बोले या हिंदी में बोले या तमिलनाडु में बोले, आपके अनाज का अर्थ गेहूं और चावल ही होगा, सब्जी कतई नहीं होगी। तो निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता है। वह समाज के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और संवैधानिक क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम होती है। वह समाज के प्रशासनिक और संवैधानिक क्षेत्रों में काम किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये एक भाषा है जो जहां पे भी बोली जा रही है वहां पे इसका अर्थ रूढ़ है, ये व्याकरण सम्मत है, वैज्ञानिक भाषा है, इस भाषा में परिवर्तन की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो आप अगर क्या कहते हैं, जैसे आप शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, मैं मान लीजिए हरियाणा की रहने वाली, कल मैं कर्नाटक में जाके पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, मेरे छात्र हिंदी सीख रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरी हिंदी और उनकी हिंदी में अंतर है बोलचाल की, मगर हमारी मानक भाषा एक है। तो इसीलिए प्रशासनिक कार्यों में भी, जैसे प्रशासनिक कार्यों में आपने कोई चिट्ठी लिखी, एक राज्य दूसरे राज्य को चिट्ठी लिख रहा है तो मानक भाषा का प्रयोग करता है, ऐसी भाषा जो हर जगह पे स्टैंडर्ड है। ज्यादातर इसमें आप संपर्क भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर जब आपको ये नहीं पता कि सामने वाले की संपर्क भाषा क्या है, तब आप मानक भाषा की ओर जाते हैं, ऐसी भाषा जो हर जगह पे एक बराबर है। इसीलिए आज के समय में हर भाषा को अगर आप दर्जा दिलाना चाहते हैं राजभाषा के रूप में, तो उसका मानकीकरण बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। बिना मानकीकरण के कोई भाषा आपकी राजभाषा की दर्जा नहीं प्राप्त पा सकती। वह नवीन आवश्यकता के अनुरूप निरंतर विकसित होती चलती है। ये उसी नवीन निरंतर नवीन आवश्यकताएं आती हैं और उसके अनुरूप निरंतर उसका विकास आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यही भाषा आपकी शैक्षणिक, प्रशासनिक और संवैधानिक क्षेत्रों में काम आ रही है। जब तक आप उसमें विकास नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे उस कार्य क्षेत्र से हटती जाएगी। जैसे हिंदी में अभी हिंदी की सबसे एक बात है, सबसे एक बड़ी समस्या है कि उसमें नवीन आवश्यकताओं के अनुसार उस त्वरित गति से, उस जल्दी शीघ्रता से शब्द नहीं बन रहे हैं जिस शीघ्रता से अंग्रेजी में बन रहे हैं। अंग्रेजी को जब जरूरत आन पड़ी तब उन्होंने इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह के वर्ड बनाए, एथरनेट टाइप के भी शब्द बनाए, मगर हिंदी में उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया, नए शब्द बनाने की ओर उनका उनका प्रयास नहीं रहा। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के पास नवीन आवश्यकताओं के हिसाब से शब्द थे, हिंदी के पास नहीं थे। तो विकास होना एक मानक भाषा के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपकी भाषा कार्यालयीन या शैक्षणिक कार्यों से जुड़ी हुई है, साहित्य की भाषा है, हर जगह पे मानक भाषा एक स्टैंडर्ड भाषा है। आगे बढ़ते हैं, वैयक्तिक प्रयोगों की विशेषता, क्षेत्रीय विशेषता और शैलीगत विभिन्नता के बावजूद उसका ढांचा सुदृढ़ और स्थिर रहता है। हर भाषा वैयक्तिक प्रयोग, वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल, जरूरी नहीं है कि अगर मैं जिस भाषा में बात कर रही हूँ आप भी उस भाषा में बात करें। क्यों? भाषा पर्सन टू पर्सन बदलती है। कई लोग आप देखिएगा, मैं जैसे स्वच्छ बोल रही हूँ, बहुत लोग स्वच्छ बोलते हैं। अभी मानक के हिसाब से अगर आप मानकीकरण में जाए तो स्वच्छ शब्द गलत है, क्योंकि वो स्वच्छ है, स्वच्छ नहीं है, मगर लोग स्वच्छ बोलते हैं और वो एक तरह से स्वीकृत भी हो गई है, मगर वो बोलचाल की भाषा है। क्यों? क्योंकि उनकी वैयक्तिक प्रयोग से वो हो गई है। उसी तरह उसकी विशिष्टता है, क्षेत्रीय विशेषता, अलग अलग क्षेत्रीय विशेषता और शैलीगत विभिन्नता के बावजूद मानक भाषा का ढांचा स्थिर होता है, मानक भाषा उसका परिवर्तन नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, तो इसमें मुझे 2-3 दिन आप आराम से छोड़ दीजिए, मैं आराम से बोल सकती हूँ।
चलिए संपर भाषा की ओर चलते हैं। संपर भाषा में अगर आऊं, संपर भाषा को लिंगुआ फ्रैंका के नाम से वह अधिक प्रचलित है। लिंगुआ फ्रैंका मतलब जो भाषा हर जगह व्याप्त है, हर जगह उसका प्रयोग किया जा सकता है। लिंगुआ शब्द भाषा से जुड़ा हुआ है। इसे कॉन्टेक्ट लैंग्वेज और लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। जैसा जैसा उसे कहा गया, संपर्क, एक दूसरे से संपर्क प्रदान करने वाली भाषा। भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो भाषा अन्य लोगों के संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, इसमें आपका ये आ जाएगा कि हिंदी में मान लीजिए, हिंदी को एज हम संपर्क भाषा के रूप में अगर ले, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बंगाली हूँ, आप ओडिया अगर है, आप ओडिया है, मैं बंगाली हूँ और बात हम हिंदी में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। कल अगर मैं आपसे ओडिया में बात करने लग गई तो हमारी संपर्क भाषा ओडिया बन जाएगी। तो संपर्क भाषा वो है जो ऐसे लोग, ऐसे दो लोग उनका प्रयोग करें जो उस भाषा के मूल भाषा भाषी नहीं है, मूल भाषा भाषी नहीं है, जिनकी मातृभाषा वो नहीं है, तो वह संपर्क भाषा कही जाती है। मेरी मातृभाषा बंगला है, आपकी ओडिया है, मगर अगर आप मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं तो वो आपकी संपर्क भाषा है। सरलता और सर्वव्यापकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी भाषा सरल नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कठिन भाषाओं में सबसे कठिन भाषाओं में चीनी भाषा बहुत कठिन मानी जाती है, तो चीनी भाषा या फिर फ्रेंच बहुत कठिन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच जिस तरह लिखी जाती है उस तरह बोली नहीं जाती। तो चीनी या फ्रेंच भाषा वो सरल नहीं है, तो वो संपर्क भाषा में उसमें थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि उसे सीखना आसान नहीं होगा। संपर्क भाषा वह भाषा है जिसे ऐसे लोग सीख रहे हैं जो उस भाषा के मूल भाषा भाषी नहीं है, जिन्होंने बचपन से उसे नहीं सीखा। और एक बच्चे में भाषा ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जब जिससे आप बड़े होते चलते हैं, आप में भाषा की विश्लेषण की क्षमता बढ़ती जाती है और आप उसे अनुकरण करना कम करते हैं, तो आप भाषा सीखने में आपको मुश्किलें बढ़ती जाती है। तो सरल भाषा, जैसे आप अगर हिंदी कहते हैं और अभी की डेट में जो अंग्रेजी है वह अंग्रेजी नहीं जो पहले उपयोग की जाती थी, अभी की सरलीकृत अंग्रेजी जिसे संकर अंग्रेजी या अलग अलग भाषाओं की मिश्रित जो अंग्रेजी है वो आपकी संपर्क भाषा के रूप में सरल है। और उसकी सर्वव्यापकता है, सर्वव्यापकता होनी जरूरी है कि मान लीजिए सरल भाषाओं में अगर जाऊं तो कोरियन भाषा बहुत सरल मानी जाती है, उसमें बहुत ज्यादा शब्द भी नहीं है, आप बहुत आसानी से उसे सीख सकते हैं, मगर वो सर्वव्यापक नहीं है। आप अगर कल आप अगर चाइना जाते हैं और कोरियन में बात करते हैं, जरूरी नहीं कि वहाँ के लोग आप ज्यादा आपको समझे। तो उसकी सर्वव्यापकता होनी जरूरी है। भाषा जो कह रहा है, जो सुन रहा है, दोनों को समझना जरूरी है, तो उसके लिए उस भाषा का विस्तार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संपर्क बिना विस्तार के संपर्क भाषा नहीं बन सकती है, चाहे जितनी भी सरल क्यों ना हो। पारिभाषिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का प्रयोग न्यूनतम होता है क्योंकि वह भाषा का उपयोग महज संपर्क तक सीमित है। वह प्रशासनिक, कार्यालयीन या साहित्यिक या शैक्षणिक कार्यों में नहीं प्रयोग उसका हो रहा है, पढ़ाने काम नहीं आ रही, कार्यालयीन काम में नहीं आ रही, तो उसका प्रयोग काफी न्यूनतम होता है। उसमें पारिभाषिक शब्दावली या वैज्ञानिक शब्दावलियों की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्षेत्रीय प्रभाव सर्वाधिक होता है। इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, जिन्हें स्क्रीन नहीं दिख पा रहा है किसी कारणवश, तो मैं उनके लिए पढ़ देती हूँ। जैसे एक ही संपर्क भाषा की भिन्न भिन्न बोलियां हो सकती है। हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं क्योंकि हिंदी एक देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में हिंदी की व्यापकता बहुत ज्यादा है और अलग अलग देश के भाषा भाषी लोग उसे बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग हैं। तो इसमें जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी तो हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने हमें ये पढ़ाया था कि हिंदी की 18 बोलियां, क्योंकि आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं तो ये बोलियां अगर आपको कंठस्थ रहेंगी तो आपके लिए बहुत उपकारी होगा। तो इसका एक छोटा सा ये, अगर हो सके तो आप लिख सकते हैं, वरना ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसे बाद में इसमें देख भी सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट तो आपका शायद दिखाई देगा, तो इसको आप जरूर याद रखें। हो सके तो इसे रट के रखें, आपके जीवन में ये बहुत जगहों पर आपका उपयोग आएगा कि हिंदी कितनी बोलियां हैं, परीक्षाओं में उपयोग आती है। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा टीका बताया था, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। तो जैसे हिंदी में राजस्थानी है तो ये है आपका ज में मामा राज,
उमागर पहाड़ी, कनो ब्रज बुंद पश्चिम, कौदह हरियाणी, अवधेली पूर्व भौमैन बिहारी। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं? आपकी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में ज मे मा मा, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, चार भाषा होगी। जयपुरी का ज, मेवाती का म, मे मा मा, मालवी और मारवाड़ी। ज मे मा मा राज, राज क्या है? ये चारों राजस्थानी भाषा है। कुमा गढ़, कुमाऊनी गढ़वाली पहाड़ी, ठीक है, तो पहाड़ी भाषा है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, तो कुमागढ़ पहाड़ी। अच्छा, पश्चिम भाषा में कनो ब्रज बुंद, तो कनौजी, कनौजी ब्रजी बुंदेली, ये पश्चिमी भाषा है। और पश्चिमी में एक और है कौड़वी दक्षिणी हड़ौती, तो ये सारी मिलके पश्चिमी है। हरियाणी, हरियाणी अलग, और अवधेली पूर्व भौमेम बिहारी, अवधेली अवधि बघेली, ये दोनों पूर्व भाषा। और भोमैम भोजपुरी, भोजपुरी मैथिली मगही, ये है बिहारी। तो ये अगर आप याद कर ले, जमे मामा राज, कुमागर पहाड़ी, कनौ ब्रज बुंद पश्चिम, कौदह हरियाणी, अवधेली पूर्व भौमेम बिहारी, तो ये कुल 18 बोलियां हैं। इन 18 बोलियों में ही हिंदी का पूरा क्षेत्र, पूरी व्यापकता सीमित है। हिंदी का पूरा क्षेत्र इन 18 बोलियों में सीमित है। इसमें दक्षिणी हिंदी भी आ जाती है, बिहारी हिंदी भी, पहाड़ी हिंदी भी, और राजस्थानी हिंदी भी आ जाती है, पश्चिमी हिंदी भी आ जाती है। तो इसको जरूर आप ध्यान में रखें। तो संपर्क भाषा में, संपर्क भाषा की बोलियां बहुत ज्यादा होती हैं, और उसमें ज्यादा रूट भाषाएं नहीं होती, उसको लोग अपने आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि संपर्क भाषा, संपर्क आवश्यकता की ही जननी है। जब 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 दो अलग अलग भाषा भाषी के लोगों को किसी एक भाषा, अपने विचार विमर्श करने की आवश्यकता आन पड़ी, तब संपर्क भाषा की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए संपर्क भाषा आवश्यकता के अनुसार ढली है, वहां पे रूढ़िवादिता थोड़ी कम है, जो आपकी मानक भाषाओं में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्र, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। इनका ये आया है सवाल बोलचाल की भाषा में जो अंचल विशेष का एक्सेंट आ जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या हम अपने भाषा संप्रेषण को शुद्ध और बेहतर कैसे कर सकते? बोलचाल की भाषा में जो आपका एक्सेंट आता है, उसमें बहुत सारे कारण है सर। एक आपका उसमें एक कारण है, प्रकृति का बहुत कारण है। जैसे आप, जैसे आपकी अगर भाषा हरियाणवी है, हरियाणवी भाषा देखिएगा, खड़ी बोली जो है वो काफी, उसे लठमार भाषा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो काफी कठोर भाषा होती है, कि मने तो ये ना लागे से, तो सुनते ही आपके कानों में एकदम खटक जाती है, कर्कश होती है। क्यों? क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति वैसी है, वहां की भौगोलिक स्थिति है, वहां पे लोग काफी गठन के अनुसार भी काफी लंबे चौड़े होते हैं। इसके अलावा वहां की जो, वहां पे मतलब आपकी जो भूमि है वो थोड़ी कठोर है, वहां पे लोग मेहनत कश होते हैं, उन्हें मेहनत करके उस भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ता है। तो वो सब आपका एक शारीरिक गठन आपका उस पर डिपेंड कर, क्योंकि लंबे चौड़े लोग हैं तो वो कोमलांगी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका गठन ही उस तरह से है, उनका शारीरिक गठन उस तरह का है। उसी तरह मगर आप इधर आ जाएंगे बंगला साइड में, बंगाल साइड में, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, यहाँ बहुत बारिश होती है सर, तो यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यहाँ के लोगों का गठन भी वैसा नहीं होता है, तो यहाँ की भाषा आपको बहुत कोमलांगी मिलेगी। यहाँ पे ड ट ठ ड ढ ये सब शब्दों का आपको ज्यादा प्रयोग नहीं मिलेगा। आप और आगे बढ़िएगा, आप बर्मा जाइए, थाईलैंड जाइए, या फिर चीन या फिर आप कोरिया चले जाइए, आपको ड का उच्चारण ही नहीं मिलेगा। वहां पे सब द, र को वो ल बोलते हैं, और र का उच्चारण ही नहीं है, ल और द बोलते हैं, यानी वो इस लेवल के कोमलांगी होते हैं, तो वो एक्सेंट आ जाता है। वो एक्सेंट क्यों आता है? क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति आपको उस तरह से, भौगोलिक स्थिति आपके शारीरिक गठन को प्रभावित करती है, और शारीरिक गठन आपके भाषा को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि आपका अगर, आप अगर उसको नहीं बोल पाए, जैसे कई शब्द है सर हिंदी में, तो खैर बहुत सारे उच्चारण हम बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत एक विस्तृत शब्द लेके चलती है, मगर अगर आप मान लीजिए, जैसे वो आपने माय नेम इज खान देखी होगी, कि एपिग्लॉटिस से बोलना है, एपिग्लॉटिस से भारत में बहुत कम बोला जाता है। ये कहाँ बोला जाता है? आपका गल्फ एरिया में बोला जाता है, वहां पे एपिग्लॉटिस से ही बोला जाता है, क्योंकि उनका शारीरिक गठन उस तरह से है कि वहां पे आप
नुक्ते का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। नुक्ता किसे कहते हैं, शब्द के नीचे लगा जो डॉट होता है ना सर, जिससे वो एपिग्लॉटिस या कोमलांगी हो जाता है, वो आपका नुक्ता कहा जाता है। तो नुक्ते का प्रयोग वहां पे बहुत ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे आप जैसे जख्म बोलते हैं, वहां पे आप जख्म बोलते हैं ख, तो ये ख का उच्चारण है यहाँ नहीं है। तो वो कैसे है, क्योंकि वो वहां के शारीरिक गठन के हिसाब से यहाँ नहीं है। इसके अलावा एक्सेंट में ये भी आता है, आपका बोलचाल की भाषा जैसे आपकी भाषा है, वो आपकी जो मानव भाषा का भी बहुत प्रभाव होता है। आपकी मानव भाषा में अगर बहुत ज्यादा अलग अलग शब्दों का हेर फेर है, जैसे मान लीजिए द्रविड़ियन भाषा है, द्रविड़ियन भाषा में आपका इतना इतनी वैविधता है और इतने तरह के शब्द उच्चारण है कि आपकी बोलचाल की भाषा में वो एक्सेंट आ जाना स्वाभाविक है। आपकी बोलचाल की भाषा, आप अगर साउथ जाएंगे, दक्षिण की भाषा, आपकी बोलचाल की भाषा आपको सुसंस्कृत भाषा लगेगी। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा उसी तरह उतनी सारी वर्तनी, उतने सारे उच्चारण को अपने अपने में लेकर चलती है। मगर उत्तर भारत में इतना उच्चारण की इतनी वैविधता नहीं है जितनी दक्षिण भारत में। तो ये सब आपका एक्सेंट में फर्क कर देता है। इसके अलावा आपकी परंपरा है सर, सामाजिक बातें हैं, जैसे आपका समाज जिस तरह का है उस तरह का आपका एक्सेंट आ जाता है। मान लीजिए आपका भारतीय समाज है, तो आप अगर भारतीय समाज में रहते हैं तो आपका एक्सेंट, आपका अंग्रेजी का एक्सेंट भी इंडियन रहेगा। मगर आप इंडियन है, मगर आपकी पूरी की पूरी परवरिश आपकी मान लीजिए इंग्लैंड में हुई है, तो आपका आपके पास इंग्लिश एक्सेंट आ जाएगा। अगर आपके परवरिश अमरीका में हुई है तो आपका नेशनल एक्सेंट आ जाएगा, अमरीकी एक्सेंट में, जिस तरह अमेरिकन एक्सेंट, ये सब। तो बोलचाल की भाषा में अंचल विशेष में बहुत सारे मतलब कारण है सर, बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है, एक चीज नहीं है। जलवायु प्रभावित करती है, शारीरिक चीजें प्रभावित करती है, आपका समाज, आपकी रीति रिवाज, परंपरा, बहुत सारी चीजें आपको प्रभावित करती है। शुद्ध और बेहतर कैसे कर सकते हैं, मानव भाषा को पढ़िए, व्याकरण सीखिए। व्याकरण सीखना सर भाषा के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप व्याकरण नहीं जानते किसी भाषा का, व्याकरण को नहीं समझ रहे हैं, तो आपके लिए वो भाषा सीखनी बहुत मुश्किल है। बहज बोलचाल की भाषा से आप भाषा नहीं सीख पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं जाके कुछ व्याकरण की समझ रखनी जरूरी है। कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं, कुछ भाषा तो हम ऐसे ही बोलना सीख जाते हैं, मगर आपके मतलब सबकॉन्शियसली भी आपने उसके व्याकरण का अध्ययन किया होता है। व्याकरण महज किताबी व्याकरण नहीं है, पुस्तक पढ़ने से व्याकरण नहीं आती, कई बार प्रैक्टिस से व्याकरण आती है। आप जब एक नई भाषा सीखते हैं तब आप उसका पैटर्न तलाशते हैं, वो पैटर्न ही व्याकरण है, वो पैटर्न ही व्याकरण है। तो किसी उसके व्याकरण पर ध्यान दीजिए। और आजकल तो बहुत सुविधा है कि व्याकरण आपको अलग से पैटर्न ढूंढना नहीं पड़ेगा, व्याकरण पढ़िए। हमारे इतने विद्वानों ने काम किया है कि व्याकरण में आपको वो पैटर्न पहले मिल जाएगा। आप उसको पढ़े, अध्ययन करें, अच्छे से व्याकरण पढ़े और उसे बेहतर कर सकते हैं। मानक भाषा पर ध्यान दे। बहुत सारी मानक भाषा की किताबें भी मिलती है, हिंदी की मानक भाषा की मिलती है और क्षेत्रीय भाषाओं की भी मिलती है। तो जरूर व्याकरण और मानक भाषाओं पर ध्यान दे। अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो समाचार पत्रों में जो शब्द, जो भाषा उपयोग होती है, समाचार पत्र पढ़े आप, भाषा उसमें बहुत शुद्ध लिखी जाती है। हालांकि आजकल समाचार पत्रों का भी देखा जाए तो अच्छे समाचार पत्र लें, क्योंकि उनका भी स्तर काफी गिरता जा रहा है। इंटरनेट पर भरोसा मत कीजिए, इंटरनेट में बहुत सारे शब्दों का गलत अर्थ दिया हुआ है, गलत वर्तनी दी हुई है। एक समय का लोग इंटरनेट पर ढूंढते थे, अभी भी ढूंढते हैं, मगर इंटरनेट बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, इंटरनेट में गलत जानकारियां भी दी जाती है। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप कोई किताब रेफर करते हैं, क्योंकि किताब में गलत नहीं लिखा रहता है, इंटरनेट गलत हो सकता है, किताब नहीं होगी। किताब दे हरदेव बहारी की किताब है या भोलानाथ तिवारी की किताब है, ये सब किताबें अगर आप रेफर करें, आप बहुत अच्छी भाषा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी भाषा को शुद्ध बना सकते हैं। उच्चारण पर ध्यान दे। बहुत लोग जैसे राष्ट्रभाषा कह रहे हैं तो राष्ट्रभाषा कहते हैं, स का उच्चारण, श का उच्चारण, इन सब पर ध्यान दे तो आप इस तरह से बेहतर बना सकते हैं। आज कोई आधुनिक दौर में हिंदी भाषा पर मीडिया का प्रभाव और किस प्रकार, इस पर मैं बाद में बात राष्ट्रभाषा पर बात करें। हाँ, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, अरे हाँ 5 बज गया, राजभाषा पर आई नहीं, अरे अरे नहीं नहीं मैं थोड़ा स्पीड में करती हूँ। तो एक्चुअली अभिषेक जी, आपने सच कहा, ये मेरा टॉपिक है तो मैं इस पे देर दिन बोल सकती हूँ।
चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं भटक गई। तो समूचे राष्ट्र को, राष्ट्रभाषा वह है जो समूचे राष्ट्र को भावात्मक रूप एकता के सूत्र में बांध सकती है। वह भाषा जो पूरे राष्ट्र से जुड़ी हुई है, पूरे राष्ट्र की भावनात्मक एकता, सांस्कृतिक एकता, यानी मान लीजिए उत्तर में अगर कोई चीज की जाती है, दक्षिण में कोई चीज की जाती है, दोनों में जो चीज एक करती है, दोनों चीजों को जो एक राष्ट्र का निर्माण करती है, मान लीजिए उत्तर में कोई और चीज कर रहा है, दक्षिण में एकदम कुछ कोई मेल नहीं है, तो वो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्र है तो कुछ तो कॉमन है दोनों में, कोई तो एक चीज है, कोई तो एक बेस है जो कॉमन है, तो उस और उस कॉमन में एक चीज है अगर उसकी भाषा कॉमन है तो वह राष्ट्रीय संस्कृति का, पूरे एक समूचे राष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व जो भाषा करे। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपका, नमस्ते। नमस्ते सर ऐसी भाषा है, ऐसी चीज है जो आप उत्तर में भी मिलेगी आपको, दक्षिण में भी मिलेगी, पूर्व में भी मिलेगी, पश्चिम में भी मिलेगी, नमस्ते। तो आप देखिएगा विदेशी लोग हमसे बहुत जल्दी नमस्ते करते, क्यों? नमस्ते जो एक शब्द है सर, वो हमारे पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व। तो उसी तरह से कोई एक चीज जो आपके, तो कोई एक भाषा जो आपके पूरी संस्कृति, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा के गुणों में मुख्य रूप से सरलता, सुगमता, स्पष्टता, संचार सुलभता, सर्वग्राह्यता और लोकप्रियता की गणना। तो इन गुणों का होना जरूरी है, वरना आप इतने व्यापक रूप से एक राष्ट्र की एक भाषा के रूप में नहीं जा सकते। आप सरल हो, सुगम हो, स्पष्ट हो, आपको सीखना बहुत आसान हो, सभी आपको ग्रहण करें। अगर आज हिंदी को पूरी तरह से राष्ट्रभाषा, जैसे जापानी या मैंडेरिन को जिस तरह से मिली है, चाइना भी बहुत बड़ा देश है, या रशिया बहुत बड़ा देश है, उसकी 50 से अधिक भाषाएं होंगी, मगर रशियन को जिस तरह से राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली, क्यों? क्योंकि वो सर्वग्राह्य हुई, सबने उसको ग्रहण किया। हिंदी पूरी तरह से राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों? क्योंकि एक अंश अभी भी है जो उसको ग्रहण करने में हिचक रहा है, ग्रहण करने में अभी भी वो सहमत नहीं है। तो सर्वग्राह्यता बहुत जरूरी है। जब तक आप उस सब, आपका सभी पक्षों से ग्रहण नहीं करता है, वो एक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है। उसका सर्व शब्द भंडार विस्तृत और समृद्ध, व्याकरण सरल और नियमबद्ध होता है। उसका शब्द भंडार विस्तृत होना चाहिए, वरना अगर आप उत्तर में कोई चीज करते हैं और दक्षिण में वो लागू ही नहीं होती है, तो उत्तर में वो शब्द भंडार था, दक्षिण में नहीं है, तो वो विस्तृत नहीं है। तो समृद्ध होना चाहिए, मतलब आपको आपकी जीवन की हर एस्पेक्ट की चीजें उसमें होनी चाहिए। लिपि उसकी सुस्पष्ट और वैज्ञानिक होनी चाहिए। वैज्ञानिक क्यों? जिससे कि उसे आसानी से सीखा जा सके। सुस्पष्ट क्यों? अगर आपकी लिपि बहुत ज्यादा हैफजर्ड है, चाइनीज के टाइप की लिपि है आपकी, ठीक है, आप उसे सीखने में उतना ही ज्यादा समय लगाएंगे, आपके लिए वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। लिपि सुस्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। राजभाषा, चलिए राजभाषा में आते हैं सर। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र के संविधान द्वारा स्वीकृत एवं प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा में केवल अभिधात्मक शब्दों का ही प्रयोग होता है, माने अच्छा मैं एक बार पढ़ लेती फिर एक साथ बोलूंगी। राजभाषा में एकार्थता का आधिक्य होता है। अच्छा ऐसे बोल भी नहीं पाऊंगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा राजभाषा कौन सी होती है? कोई भी राष्ट्रभाषा राजभाषा नहीं बन सकती जब तक उसे संविधान ने स्वीकृत नहीं किया हो। अगर आपका संविधान है, गणतंत्र है, तो संविधान ने स्वीकृत किया हो। अगर संविधान नहीं है, राजा और रानी का शासन है, तो आपके राजा ने जिस भाषा को स्वीकृत किया हो, तो उसे, जैसे मान लीजिए कि मुगलों के समय में राजभाषा जो थी वो फारसी थी, तब क्या कोई संविधान था? नहीं था। मान लीजिए अकबर थे, तो आईने अकबरी में वो स्वीकृत था, अकबर ने स्वीकृत किया था, कोई एक राजा ने स्वीकृत किया था। अभी भारत गणतांत्रिक है, सभी राजा हैं, तो संविधान द्वारा स्वीकृत। और प्रशासनिक और वैधानिक, लेजिस्लेचर में जो कार्य होता है, जुडिशियरी में होता है, प्रशासनिक कार्यों में, ऑफिशियल कामों में जो प्रयोग होता है, वो राजभाषा में आती है। उसमें केवल अभिधात्मक शब्दों का ही प्रयोग होता है। अविधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द की तीन शक्तियां कही जाती है। मैं अविधा की बात करती हूँ। अविधा मतलब सीधे सीधे जो शब्द कही, जिसमें कोई व्यंग्योक्ति नहीं है, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, द्विअर्थी बात नहीं है, डबल मीनिंग नहीं है उसमें। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे आप कृपया चुप रहिए, तो कृपया चुप रहिए का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने बोलने का अवसर दिया। चुप रहिए मतलब चुप रहिए आप यहाँ से, या फिर आपका स्वागत है। अगर मैंने लक्षणा व्यंजना में बोला सबका स्वागत है भाई, तो नहीं होता है।
अगर आप राजभाषा में हैं, आपका स्वागत है मतलब हम आपका स्वागत करते हैं, आप व्यंग्योक्ति में आपको भगाने के लिए नहीं कह रहे, तो अविधात्मक शब्द जस का तस, जो शब्द जो अर्थ दिख रहा है उसी अर्थ का प्रयोग हो, मतलब प्रत्यक्ष अर्थ का प्रयोग हो, किसी प्रकार के लक्षण और व्यंजन का प्रयोग ना हो, सीधे सीधे शब्दों का जवाब दो। अच्छा, एक अर्थ का आधिक्य, एक अर्थ का आधिक्य होता है, आधिक्य का मतलब है कई बार होता है सर, मतलब अनिवार्य तो नहीं है, कई कोशिश राजभाषा में कोशिश होती है कि एक शब्द का एक ही अर्थ हो, अगर निविदा है टेंडर का अर्थ तो निविदा अगर है तो निविदा ही हो। अरे अरे अरे, अरे। एक मिनट सर, मैं थोड़ा मेरा मोबाइल एक थोड़ा चार्ज में दे देती हूँ। ध्यान से उतर गया मेरे, सॉरी। हाँ, तो आपका एक अर्थता है, माने एक ही अर्थ है, उसमें अलग अलग अर्थ का प्रयोग नहीं होता, एक शब्द का एक शब्द का एक ही अर्थ का प्रयोग ज्यादातर होता है, मगर हाँ कई बार ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि शब्द भाषा काफी व्यापक चीज है, आप इस तरह से उसको रूढ़ नहीं कर सकते, मगर कोशिश रहती है। राजभाषा की विशिष्ट पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली होती है, जिस भाषा की शब्दावली नहीं है वो कतई राजभाषा नहीं बन सकती है, क्योंकि वो कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग होगी, अलग अलग जगह पे शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रयोग होगी, उसकी शब्दावली ही नहीं होगी तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगी और उसे राजभाषा का दर्जा देना मुश्किल हो जाता है। ये मूलतः राजनीतिक महत्व की भाषा होती है, राजभाषा के कारण ही मतलब राजनीतिक महत्व रहता है, जैसे कि अगर वो मुगलों की भाषा है तो मुगल अगर चाहे तो कोई और भाषा को भी राजभाषा बना सकते थे, मगर उन्होंने फारसी को बनाया जिससे कि उनका जो राजनीतिक आधिपत्य हो वो स्थापित हो। जब अंग्रेज आए उन्होंने फारसी को धीरे धीरे अंग्रेजी में बदल दिया, अगर वो नहीं बदलते तो पूरी तरह से वो राज नहीं कर पाते, क्योंकि भाषा किसी भी देश का एक बैकबोन होता है, एक रीढ़ की हड्डी होती है भाषा, जब तक आप भाषा को खत्म नहीं करेंगे तब तक आप उस देश को नहीं जीत सकते या फिर नहीं उस पर राज कर सकते हैं। तो राजभाषा मूलतः राजनीतिक महत्व की भाषा होती है, अगर आप किसी को राजभाषा के रूप में दर्जा देते हैं तो आप धीरे धीरे आपकी जनता उस भाषा को सीखने लग जाती है, क्योंकि उन्हें कार्यालयीन कार्यों से जुड़ना होता है, तो आपकी राजभाषा राजनीतिक महत्व की भाषा है। राजभाषा के रूप में हिंदी, तो अब मैं आगे बात करती हूँ हिंदी को राजभाषा के रूप में आप कैसे देखते हैं। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, तो राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया, परंतु इसमें आगे भी मैं बताऊंगी। भारतीय संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 120, भाग 6 के अनुच्छेद 210 और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 120 और 210 में सर संसद में प्रयोग होने वाली भाषा और न्यायालयों में प्रयोग होने वाली भाषाओं पर चर्चा है, और 343 से राजभाषा क्या होगी, भारत की राजभाषा क्या होगी, इस पर चर्चा की गई है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये दोनों रहना जरूरी है सर। अगर राजभाषा आपकी हिंदी है और लिपि आपकी देवनागरी नहीं है तो आपकी हिंदी कुछ इस प्रकार हो जाएगी कुछ दिनों बाद कि आपने रोमन में हिंदी लिखना शुरू किया, तो वो भी हिंदी ही है क्योंकि वो संप्रेषण का काम कर दे रही है, मगर उसकी लिपि रोमन है, तो उसी मगर इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से इसे स्पष्ट किया कि राजभाषा आपकी हिंदी है और लिपि आपकी देवनागरी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। कई बार सर हमारे मन में ये बात आती है कि राजभाषा आप अलग अलग बोर्ड वगैरह देखते हैं हिंदी में लिखा रहता है, आपके मन में ये बात आती होगी सर कि हमारे अंक हिंदी में क्यों नहीं लिखे रहते हैं। तो अंक हिंदी में इसलिए नहीं लिखे रहते हैं क्योंकि संविधान ने भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप यानी जिसे आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं उन अंकों को मान्यता दी है, ये अंग्रेजी के अंक नहीं है। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि ये अंग्रेजी के अंक हैं तो कृपया आप अपने भ्रम को हटा दीजिए, इस भ्रम को कतई मत रखिए कि ये अंग्रेजी के अंक हैं, ये अंग्रेजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी की लिपि रोमन है और ये रोमन के न्यूमेरिकल्स नहीं है। रोमन के न्यूमेरिकल्स कैसे रहते हैं, आई के जैसे 1 या 2 आई की जगह मतलब 2 जैसे 2 आई जैसे लिखते हैं,
उस तरह से रहते हैं, आई वी लिख रहे हैं तो फाइव हो जाता है। ये आपका, आप जिस जिनका प्रयोग करते हैं वो भारतीय अंकों का ही अंतरराष्ट्रीय रूप है। आप जब भारतीय अंकों को और अंतर इन इन इनको आसपास रखेंगे, आप दोनों में बहुत मेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भारतीय अंकों का ही अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है। अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में भारतीय अंकों का बहुत ज्यादा योगदान है। ये कतई अंग्रेजी के अंक नहीं है। अच्छा, तीसरी बात जो रखी गई कि राजभाषा के रूप में 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा और उसके लिए 15 वर्ष के बाद उसे हिंदी में बदल दिया जाएगा। तब तक के लिए अंग्रेजी का उसी तरह प्रयोग किया जाएगा जिस तरह से किया जाता रहा है। इसे इसलिए रखा गया था क्योंकि अगर जो हिंदी बतर भाषाभाषी लोग हैं, जिन्हें हिंदी की समझ नहीं है, वो इस जिससे कि हिंदी सीखने के लिए 15 वर्ष का समय उन्हें दिया गया। मगर राजभाषा अधिनियम 1963 में इन 15 वर्ष की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया और अनिश्चित काल तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रयोग का की का नियम लागू कर दिया गया। इसीलिए पूरी तरह से राजभाषा हिंदी राजभाषा के रूप में हिंदी का की स्थापना नहीं हो पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है कि राष्ट्रभाषा जनसमूह द्वारा पारस्परिक संवाद और संपर्क के लिए प्रयोग होती है। एक राष्ट्रभाषा जन समूह के संवाद के लिए प्रयुक्त होती है, मगर राजभाषा प्रशासनिक और विधिक कार्यों के लिए होती है, कार्यालयीन कार्यों के लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रशासनिक कार्यों के लिए। उसका जन समूह के पारस्परिक संवाद से कोई मेल नहीं होता है। कई बार ये बहुतों के मन में ये है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के में क्या अंतर है। फिर राष्ट्रभाषा में विशिष्ट शब्दावली का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि वो पूरे राष्ट्र में व्याप्त है, अलग अलग लोग उसे अपने हिसाब से यूज करते हैं। मगर राजभाषा में आपकी कोई शब्दावली है, जैसे मान लीजिए आपका जैसे आप दंड बोल रहे हैं, अब दंड को बंगला में या उड़िया में शास्ती कहा जाता है, तो उड़िया में जब आप शास्ती को इस तरह से उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि राजभाषा में आपकी विशिष्ट शब्दावली में वो दंड ही लिखा हुआ है, आप शास्ती शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मगर आप राष्ट्रभाषा में अगर शास्ती का प्रयोग करते रहे तो धीरे धीरे वो राष्ट्रभाषा का अंग बन सकता है, मगर वो कतई राजभाषा का अंग तब तक नहीं बनेगा जब तक उसे शब्दावली में ना रखा जाए। तो राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक, स्वच्छंद और सीमा रहित होता है। इसका प्रयोग अनौपचारिक, स्वच्छंद और सीमा रहित, कोई सीमा नहीं होती, इससे लोग अपनी इच्छा से और अनौपचारिक रूप से इसका प्रयोग करते हैं, इसमें कोई मर्यादा या बंधन नहीं होते। मगर राजभाषा में आपकी औपचारिकताओं का बंधन रहता है, आप इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, आपका आपकी एक औपचारिकताओं की मर्यादाएं रहती है, आप उस मर्यादाओं के का उल्लंघन नहीं कर सकते। राष्ट्रभाषा जन सामान्य से प्रचलित लोक भाषा होती है, मगर राष्ट्रभाषा कभी भी कोई राष्ट्रभाषा विदेशी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है जो जन सामान्य से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। मगर राजभाषा विदेशी भाषा बन सकती है, जैसे फारसी या अंग्रेजी भारत की राजभाषा बनी क्योंकि वह क्योंकि तत्कालीन सत्ता ने उसको स्वीकार किया। तो विदेशी भाषाएं भी आसीन हो जाती हैं, जो देश गुलाम होता है तो ज्यादातर उसमें विदेशी भाषाएं ही राजभाषा का दर्जा पाती है। उपभाषाओं और बोलियों के शब्द आवश्यकता अनुसार राष्ट्रभाषा में जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। तो उपभाषा, जैसे मैंने शास्ती का शब्द लिया, तो या फिर एक शब्द है सिविल का काम होता है, जैसे सिविल एक काम है, हिंदी में उसे असैनिक कहते हैं, मगर उड़िया में उसका एक बहुत अच्छा शब्द है, वो है पूर्त, बंगला में भी कहते हैं पूर्त विभाग। तो पूर्त है उपभाषा या अलग अन्य भाषाओं का एक शब्द है, तो वो आप राष्ट्रभाषा में जोड़ सकते हैं, मगर राजभाषा में उसे जोड़ने के लिए आपको उसकी शब्दावली में परिवर्तन करना होगा, उसे पूरी तरह से स्वीकारता देनी होगी, तो उसमें समय लगता है। तो अन्य शब्दों और उपभाषाओं के शब्दों के जुड़ने की या बोलियों के शब्द, जैसे बोलियों में भी बहुत सारे शब्द है, उनके जुड़ने की गुंजाइश राजभाषा में नहीं होती, वो काफी रूढ़ और स्ट्रिक्ट होती है। इसमें समूचे देश की जनता की संस्कृति, आस्था, जीवन शैली साकार होती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है उसमें जीवन शैली साकार होती है। अगर आपकी राष्ट्रभाषा में कहते वो उसके माथे का सिंदूर है, तो माथे का सिंदूर क्या है? वही है आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो माथे का सिंदूर मतलब वो उसका पति है, वो उसका सुहाग है, तो माथे का सिंदूर है उसे कहते हैं। मगर आप इसी को अगर इंग्लिश में कहें तो ही इज अ वर्मिलियन ऑफ हर फोरहेड,
तो उसका मतलब नहीं आता। क्यों? क्योंकि उससे वो जनता की संस्कृति, आस्था और जीवन शैली साकार नहीं हो रही, वो उससे संबद्ध नहीं रखती, उससे कनेक्ट नहीं करती। राजभाषा की बहुत बड़ी विशेषता है, उससे जनता की जीवन शैली के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सिंदूर महज एक सिंदूर या वर्मिलियन नहीं है, सिंदूर किसी के सौभाग्य का लक्षण है, सिंदूर किसी के दाम्पत्य जीवन का लक्षण है। ये लक्षण कहाँ आता है? जीवन से आता है। राजभाषा में, राजभाषा कार्यालयों की चार दीवारी तक सीमित है, कार्यालयों से बाहर राजभाषा नहीं जाती है। राजभाषा कार्यालयों से बाहर अगर जाती है और अनौपचारिक हो जाती है तो धीरे धीरे वो राष्ट्रभाषा को रूप ले लेती है। कोई भी समस्या है तो बोलिएगा। अच्छा, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं राष्ट्रभाषा के रूप में कहा जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा कई लोग भूलवश कहते हैं, मगर हिंदी सिर्फ एक राष्ट्रभाषा नहीं है। बाकी संविधान की 8वीं अनुसूची में करीब 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है और कई क्षेत्र, कई राज्यों ने उसे अपनी राजभाषा का दर्जा दिया है, मगर मूलतः वह राष्ट्रभाषाएं हैं। उस पर बात करते हैं। पहली है सर आपकी असमिया, दूसरी उर्दू, तीसरी ओडिया, चौथी कन्नड़, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत और सिंधी। तो ये आपकी कुल 22 भाषाएं हैं जो आपकी राष्ट्रभाषाएं हैं। आप कहीं पे भी जाए इन भाषाओं से जुड़े आप कुछ ना कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। ये भाषाएं आपके देश की अपनी भाषाएं हैं। मगर इसमें कुछ भाषाएं आपकी राज्य भाषाएं हैं, वो राज्य की अपनी भाषाएं हैं, वो राज्य की राजभाषाएं हैं। इनमें कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जैसे संस्कृत और सिंधी, ऐसी भाषाएं हैं जो राष्ट्रभाषा तो है मगर वो किसी भी राज्य विशेष की भाषा नहीं है। तो ऐसी भी भाषाएं हैं जो राजभाषाएं नहीं है अपितु राष्ट्रभाषा है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को दर्जा दिया गया है और इनके निरंतर विकास पर काम किया जाता है। इसके बाद आते हैं सर अंतरराष्ट्रीय भाषा। अरे फिर से चला गया क्या? खैर, अंतरराष्ट्रीय भाषा ये संपर्क भाषा का ही सर विहत्तर रूप है। संपर्क भाषा जहां पर या फिर राष्ट्रभाषा, जैसे संपर्क भाषा एक राष्ट्र के अंदर ही दो अलग अलग लोगों के बीच की संपर्क भाषा बन सकती है। अंतरराष्ट्रीय भाषा एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच की संपर्क भाषा है, एक देश और दूसरे देश। अंतरराष्ट्रीय वह भाषा है जिसे विभिन्न राष्ट्र परस्पर संपर्क और व्यवहार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 भाषाओं चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, रूसी और अरबी को मान्यता मिली है। हिंदी को अभी तक नहीं मिली है, प्रयास उसका किया जा रहा है। हाल ही में आप लोग सभी ने सुना होगा माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने हिंदी की बड़ी वकालत की थी, मगर हिंदी को अभी भी राजभाषा अंतर्राष्ट्रीय मंच में, संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक हिंदी को नहीं रखा जा पा रहा है। तो आशा करते हैं कि आगे के समय में उसे भी यह दर्जा मिलेगा, क्योंकि हिंदी विश्व भर में चीनी और अंग्रेजी के बाद बोलने वालों की संख्या के अनुसार हिंदी सर्वाधिक, तीसरी सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा है जो आपकी विविध क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें अगर हम हिंदी में आए तो हिंदी मूलतः 3 तरह से बोली जाती है सर। हिंदी पहली हिंदी वे बोलते हैं जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी है और वह हिंदी बोलते हैं, अपने अपने देश में अपनी भाषा बोलते हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जो जिनके 5-6 जनरेशन पहले हिंदी भाषी लोग उस देश में जाके बस गए, उनकी भाषाएं बदल गई क्योंकि उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से विवाह किया, मगर उन्होंने हिंदी का साथ नहीं छोड़ा और हिंदी को भी उन्होंने अपनी तरह से अपनाया। अभी उनकी 5-6 जनरेशन उस देश के स्थानीय लोगों की हो गई है,
मगर उन्होंने हिंदी को छोड़ा नहीं है, जबकि उनकी जनरेशन में अभी कोई भारतीय मूल का आदमी नहीं है। इनमें त्रिनिदाद, सुरिनाम, मॉरिशस में जो प्रवासी भारतीय है, जिनको अब प्रवासी नहीं कहा जाता, तो गिरमिटिया लोग हैं, वो अभी भी इसमें, अभिमन्यु अनंत करके एक लेखक है, वो काफी बड़े हिंदी के लेखक माने जाते हैं, ये लोग प्रॉपरली मॉरिशस या फीजी या सुरिनाम के लोग ही हैं, वहां के निवासी हैं, मगर उन्होंने हिंदी का दामन नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो उनकी एक पारंपरिक भाषा है, उनके पूर्वजों की भाषा है। तीसरे ऐसे लोग हैं जो प्रवासी हैं, यहाँ भारत से भारतीय मूल के दूसरे देशों में जाके बसे हैं, और उन्होंने हिंदी को वहां पे प्रचार किया है, और उनके प्रचार माध्यम से हिंदी तर भाषा भाषी लोग, अंग्रेज या मान लीजिए फ्रांसीसी या डच लोगों ने हिंदी को सीखा है, और वे धड़ल्ले से हिंदी में बात करते हैं। कैम्ब्रिज में हिंदी पढ़ाई जाती है, और ज्यादातर वे लोग हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो भारतीय मूल के कतई नहीं है, मगर उन्होंने भी घनानंद और केशव दास को पढ़ा है, और वे हिंदी में बात करते हैं। तो कुल तीन तरह से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय रूप में जानी जाती है, एक जो भारतीय मूल में बात करते हैं, एक जो अप्रवासी जो पुराने लोग पुराने प्रवासी हैं वो, और तीसरे जो किसी तरह से भारतीय मूल के नहीं है, कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, मगर उन्होंने हिंदी माध्यम से अपने हिंदी में पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के कारण वो हिंदी में वार्तालाप करते हैं। तो तीन तरह से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैड बना चुकी है। अभी की तिथि में हिंदी में असंख्य ब्लॉग और पत्रिकाएं निकलती हैं, और उसपे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय स्तर में करीब 72 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी है उसी तरह से, तो इसलिए है। चलिए, और तो इसी तरह से भाषा के कई रूपों पर हमने चर्चा की सर, और इसके अलावा आपका साहित्यिक भाषा है तो उसके बारे में बात कर ही लिए। इसके अलावा भाषा का एक और रूप है, वो मातृभाषा है। जो भाषा अपनी माँ से आप सीखते हैं वो जरूरी नहीं कि मानक हो, जरूरी नहीं कि वो बोलचाल की हो, एकदम अलग सी भी कोई भाषा हो सकती है, जो भाषा आपको अपने घर परिवार से सीखने को मिलती है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपके देश की भी भाषा हो, वो दूसरे देश की भी भाषा हो सकती है, तो वो एक मातृभाषा है। तो इस तरह से भाषा के कई रूप है, मूलतः ये रूप है जो आपको पढ़ना है और आपके कोर्स में है। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं सर। जी मैम, मैं प्रश्न विद्यार्थियों ने कई सारे पूछे हैं, मैं पहले आपके समक्ष रखता हूँ कुछ प्रश्न का तो जवाब आपने दे दिया है, उसके इतर जो भी प्रश्न बचे हैं मैं उनको आपके समक्ष रखता हूँ। हाँ, एक प्रश्न जो उस समय बात हो रही थी उसका मैंने आपको टोक दिया है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। रवि जी ने एक प्रश्न लिखा था कि आज के आधुनिक दौर में हिंदी भाषा पर मीडिया का प्रभाव एवं उसके रूप को आप किस तरह से देखती हैं। जी, आधुनिक दौर में मीडिया का प्रभाव हिंदी भाषा पर ही नहीं, वरंग जीवन के हर क्षेत्र पर मीडिया का एक जबरदस्त प्रभाव देख, क्योंकि आज के तिथि में हम मीडिया के प्रति ओवर एक्सपोज्ड है। हम जहाँ रहते हैं, जिस हाल में भी रहते हैं, प्रिंट हो, स्क्रीन हो, या श्रव्य हो, दृश्य हो, अलग अलग माध्यम से आप मीडिया आपके जीवन को प्रभावित करती है, तो हिंदी भाषा भी उससे अछूती नहीं है सर। हिंदी भाषा पर भी मीडिया का जबरदस्त प्रभाव है। हिंदी भाषा की सबसे पहले बात करते हैं सर, हिंदी भाषा की व्यापकता पर। हिंदी भाषा की व्यापकता पर मीडिया का जितना योगदान है उतना और किसी भी चीज का नहीं है। आप सभी जानते होंगे, अगर हिंदी पूरे भारत में अभी के डेट में बोली जाती है वो इसीलिए, उसमें दो बातें हैं। पहली, दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से बोली जाती है। फिल्मों और दूरदर्शन ने हिंदी का जिस लेवल पर प्रचार किया है शायद ही कोई माध्यम होगा जिसने इतना प्रचार किया होगा। पहली ये मीडिया का दूसरा एक और था, पैम्फलेट्स और प्लेकार्ड्स के माध्यम से, वो स्वाधीनता आंदोलन में हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन के समय हिंदी का प्रचार पैम्फलेट्स और प्लेकार्डों के माध्यम से हुआ था, क्योंकि तब सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, या फिर ये आपके तिलक हो, बाल गंगाधर तिलक, या कोई भी हो, उन्होंने हिंदी के माध्यम से ही अपना प्रचार किया था, तो हिंदी हिंदी की व्यापकता वहां से भी फैली थी। इसके अलावा आप जो अभी के डेट में दूरदर्शन और सिनेमा का प्रभाव एकदम नकारा नहीं जा सकता है, तो हिंदी भाषा की व्यापकता पर तो बहुत बड़ा बुनियाद प्रभाव है। इसके साथ ही हिंदी भाषा के शुद्ध रूप का प्रभाव भी मीडिया पर बहुत ज्यादा दिखता है। अगर हिंदी भाषा
शुद्ध है हिंदी हिंदी भाषा में। अभी जैसे कुछ शब्द है, जैसे मान लीजिए आपने ये टीवी में सुना होगा, यही मैंने बोला, जैसे आप आइए तशरीफ लाइए, ये तशरीफ शब्द हिंदी में जुड़ गया। कैसे जुड़ा? सिनेमा ने उसको जोड़ा। क्यों? क्या आप हम अपने रेगुलर दैनंदिन जीवन में इन शब्दों को सुनते हैं? नहीं, इसे हम सिनेमा में ही सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं। तो हिंदी भाषा पर तो मीडिया ने हिंदी पर बहुत ये किया है कि मीडिया ने जिस तरह से हम लोगों को समझाया है, जैसे उर्दू मिश्रित या फारसी मिश्रित शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग ये मीडिया से ही आया है, क्योंकि हम दैनंदिन जीवन में अपने जीवन में उर्दू और फारसी का इतना प्रयोग नहीं करते हैं। इसके इसके जैसे आपने सुना होगा ये तो आज की अदालत में ताजिराते हिंद के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। ताजिराते हिंद किसे कहते हैं? ताजिराते हिंद है दंड संहिता। दंड संहिता यानी जो आपका कानून है, दंड संहिता। ताजिराते हिंद आपने सुना जरूर होगा, भले ही आपको उसका मतलब ना पता हो, मगर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये कैसे हमारे दिमाग में आया? मीडिया ने डाला, मीडिया या किसी सिनेमा में हमने ताजिराते हिंद शब्द सुना है, मगर हमें उसका अर्थ, मुझे अभी हाल तक उसका अर्थ नहीं पता था कि उसको दंड, अच्छा ये दंड संहिता है, पता ही नहीं, शब्द जानते हैं। तो हिंदी भाषा पर भी उसका अर्थ असर पड़ता है। हिंदी भाषा में अलग अलग भाषाओं का समावेश मीडिया के कारण होता है। इस रिगार्डिंग में एक बुक आपको जरूर ये करना चाहूंगी, रिकमेंड करना चाहूंगी। कलकत्ता के प्रोफेसर है सर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी, उनकी हिंदी हिंदी एवं भारतीय मीडिया करके एक बहुत अच्छी किताब है, चार चार अंकों में मिलती है, आप जरूर उसे पढ़ें। उनकी तरह इस बात पे मतलब इतना गहन विश्लेषण आपको बहुत कम मिलेगा, तो आप जरूर उसको पढ़ सकते हैं। आसानी से मिल भी जाती है, बहुत ही किसी बड़े प्रकाश, शायद राजकमल की किताब है, थोड़ी देखनी पड़ेगी मेरे को, हिंदी एवं भारतीय मीडिया, तो आप वो किताब जरूर पढ़ें, जगदीश्वर चतुर्वेदी जी की किताब है, तो उसमें आपको हिंदी भाषा पर मीडिया का प्रभाव दिखेगा। और कोई है सर? जी मैम, मैं आपकी दूसरा प्रश्न होने से पहले आपके बात में बात जोड़ना चाहूंगा। जैसा आपने सटीक कहा कि हिंदी भाषा में मीडिया का प्रभाव, एक रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि भाषा हमारी कहना उचित होगा नहीं, बहुत खराब होती है। खराब इन द सेंस जब हम देखते हैं आम हिंदी किताबी भाषा, वहां पे जो एक तरह से तकनीकी की जो भाषा आ जाती है कि क्या कर रहे हो, ये इस तरह की जब हम लिखते हैं, तो एक तो अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं अंग्रेजी का, वो भी चीज है, उसके बाद हिंदी के शब्द को भी हम लोग धीरे धीरे काटते जा रहे हैं, छोटा होता जा रहा है। जब हम मानस में कई बार होता है ना, वो शब्द बैठ जाता है। जैसे मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ज्यादा मैं जब व्हाट्सएप वगैरह बात कर लेता हूँ, कोई एक शब्द मेरे मानस में बैठ गया, तो कई बार होता है मैं उसको स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, मतलब वो शब्द का फुल फॉर्म अगर ये है, उसको छोटा मिले तो उसमें भी मैं गलती कर देता हूँ। तो ये भी चीज है कि मीडिया हमारे जो शब्द है, हिंदी की जो हमारे शब्दकोश है, उसे भी घटाते जा रही है और उसे अपूर्ण बनाती जा रही है, पूर्ण नहीं बनाती है, गलत गलत हमसे, वो क्योंकि हमारे मानस में बैठ जाती है लगातार निरंतर यूज करते हुए। वस्तुतः ये एक समय है सर कि मीडिया का ओवर एक्सपोजिशन हो चुका है, मीडिया बहुत सहज सुलभ हो चुकी है, सर्व सुलभ हो चुकी है, तो क्वालिटी घटनी, जब आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्वालिटी घटेगी। तो अभी भाषाओं के संकरता का भी सवाल है, इस पे काफी बहस की जा सकती है। दरअसल कुछ लोग इस पे ये भी कहते हैं कि भाषा का परिवर्तन काल है, कि भाषा को रूढ़ में आप सीमित ना रखकर शुद्धिवादिता पर वकालत ना करके उसे अगर हाइब्रिड होने के लिए अलाउ किया जाए, जैसे आजकल बहुत चल रहा है इंटरनेशनल हिंदी यानी कि अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण, तो भाषा अगर आप नहीं बदलेंगे तो हिंदी अपने आप बदलेगी, क्योंकि वो परिवर्तन होती रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये काफी बहस का विषय है दरअसल, कि क्योंकि अब मीडिया ओवर एक्सपोज हो गई है और हमारे पास अभी जो सामग्री है वो इतनी ज्यादा है, तो क्वालिटी घटनी स्वाभाविक है। पहले हमारे पास सामग्री कम रहती थी, वही मैंने जैसे पेपर का उदाहरण लिया, पहले के जो न्यूज़पेपर थे वो क्वालिटी होते थे, लोग अगर भाषा सीखने की वकालत करते थे तो बोलते थे कि हिंदू पढ़ो या कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, मगर अभी के डेट में आप वो भी नहीं कह सकते। अभी के डेट में आप ऐसे न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर लेके बैठेंगे, आप पेन लेकर बैठिए, एक लाइन में तीन गलती मिलेंगी आपको। तो अभी के डेट में न्यूज़पेपर का वो क्वालिटी नहीं रह गया, क्यों? क्योंकि मीडिया बहुत ओवर एक्सपोज हो चुकी है। तो ये है कि मतलब शुद्धिवादिता मतलब वर्तनी की जो का ह्रास हो रहा है, सिर्फ हिंदी में नहीं हो रहा सर, अंग्रेजी में अलग हो रहा है। अंग्रेजी में जैसे लोग वो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, जैसे आर यू देयर आर लिख रहे हैं, आर यू लिख रहे हैं, यू देयर टी एच आर लिख रहे हैं,
तो इससे बहुत सारे अंग्रेजी विद्वान बहुत नाराज है कि नहीं मतलब अंग्रेजी को तो पूरा खत्म करके रख दिया, RUTH THR देयर लिख दिया। तो ये एक समय है, ये एक काल है, तो और उसे रोका नहीं जा सकता है क्योंकि अभी की तिथि में वो मतलब वैसा ही है, अब कुछ कर नहीं सकते उसका। ये भाषाओं के संकरता का काल है और कालांतर में लोग मेहनत कर रहे हैं कि भाषाएं नहीं मिटनी चाहिए, मगर भाषाएं मिट के रहेंगी और एक भाषा लागू होती, क्योंकि वही कह रहे हैं ना, दुनिया छोटी होती जा रही है, ग्लोबल विलेज होता जा रहा है, एक भाषा। क्योंकि पहले के समय में जापान हमसे बहुत दूर हुआ करता था, अभी जापान हमारे बगल में है, तो स्वाभाविक रूप से जापानी शब्द हमारे में घुसेंगे, हमारे जापानी में घुसेंगे, कहाँ तक आप कितने दरवाजे बंद कर पाइएगा। मगर हाँ ठीक है, कोशिश की ही जा सकती है भाषा को बचाने की। ये एक काफी तार्किक मतलब सवाल है, अलग अलग लोग इसकी अलग अलग वकालत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और कोई हाँ जी आपकी तो आपका तो समय भी नहीं है, बताइए। जी सर, प्रीति जी ने एक प्रश्न पूछा है कि हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा में क्या अंतर है? हिंदी और हिंदुस्तानी में एक ही फर्क है, मैंने ये बोला शायद, हिंदी में संस्कृत मिश्रित शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है और हिंदुस्तानी में फारसी शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है हिंदी में, मान लीजिए जैसे वही मैंने कहा ना कि प्रणाम आपका स्वागत है, ये हिंदी है, और आदाब आप तशरीफ लाइए, तो वो आपका हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी में उर्दू और फारसी के शब्दों को जब हम हिंदुस्तानी परिनिश्चित करने जाते हैं तो उर्दू और फारसी से शब्द लेते हैं, और हिंदी को परिनिश्चित करें तो मतलब आप संस्कृत से शब्द लेते हैं। तो जैसे हम अभी लिखते हैं कि आपके पास अगर वो दस्तावेज है तो कृपया हमें वो कृपया उसका प्रदर्शन करें, ये हम उसमें लिखते हैं आपकी राजभाषा हिंदी में, कृपया उसे प्रदर्शित करें। तो अगर आप इसे हिंदुस्तानी में लिखे, आपके पास कागजात हैं तो कृपया उसे दिखाने का तकल्लुफ करें, तो ये जो वो भी परिनिश्चित है, वो बहुत ही सुसंस्कृत भाषा है, मगर आपको अटपटी लगी, क्यों? क्योंकि हमारी संविधान ने हिंदी को स्वीकार किया, हिंदुस्तानी को नहीं। हिंदुस्तानी की काफी लोगों ने वकालत की थी, महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत की राजभाषा हिंदुस्तानी हो, अरबी, क्योंकि वो अरबी फारसी उर्दू और अरबी और हिंदी का मेल था, तो दो अलग अलग धर्मों का वो मेल वो मानते थे, और वो उसे क्या कहते थे, ये मतलब हिंदुस्तानी को राजभाषा बनाने की वकालत करते थे, परंतु इस पे काफी लंबी बहस चली और अंत में हिंदी ही हमारी राजभाषा बनी। हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी का एक छोटा सा पुट आप लखनऊ या कानपुर साइड में आप अभी भी पाइएगा कि लोग अभी भी वहां पे हिंदू, या फिर हैदराबाद में बहुत पाई जाती है, लोग वहां पे हिंदुस्तानी में बात करते हैं, अरबी फारसी मिश्रित हिंदी, और हम आप हिंदी में बात करते हैं, जो हम संस्कृत मिश्रित हिंदी, हमें कोई नया शब्द लेना होता है, जैसे हम रेल में भी अगर हम लौ पद गामिनी लेते हैं, हम अरबी फारसी से शब्द लेने नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी के संवैधानिक स्थिति पर तो काफी चर्चा कर दी मैंने। संवैधानिक स्थिति में यही ध्यान रखिए कि हिंदी में संविधान में 343 से 351 पर हिंदी की बातें रखी गई है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, आप rajbhasha.gov.in करके आप सर्च कीजिएगा, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी, वो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की वेबसाइट है, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। मानक और अमानक की पहचान के बारे में बताएं, यार बाद में जुड़े क्या, काफी पहले मैं बात कर ली थी। जी जी बाद में लगता है जुड़े, यार कोई नहीं मैम। मैं इसमें मैडम बताना चाहूंगी, अगर आप हैं क्या, पाड़ी जी, पाड़ी मैडम है अभी, चलिए मैं इस, हाँ है तो मैडम, पाड़ी मैडम इसमें बताना चाहूंगी, आप इसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि समय कम है, समय बचता है तो मैं आपकी मानक और अमानक पर मैंने काफी लंबी चर्चा की है, आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। तो मानक भाषा पर मैंने चर्चा की है, पहचान मानक और अमानक की पहचान है कि मानक काफी व्याकरण सम्मत होती है, अमानक व्याकरण सम्मत नहीं होती है, मानक शुद्ध रूप को कहते हैं और अमानक शुद्ध रूप मतलब वर्तनी में शुद्ध नहीं होती और व्याकरण में वो शुद्ध मानी नहीं जाती है। तो आप व्याकरण का अध्ययन करेंगे तो आपको मानक और अमानक की पहचान ज्यादा आसान होगी, व्याकरण का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आप शुद्ध हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आप किताब व्याकरण मतलब गूगल का व्याकरण नहीं, किताबी व्याकरण का क्या व्याकरण पढ़े,
और सबसे अच्छा है अगर आप हरदेव बारी या भोलानाथ तिवारी की किताबें पढ़ें या इस तरह की किताबें पढ़ें, अगर आपको शुद्ध हिंदी सीखनी है, आप रामचंद्र सॉरी ये शुक्ल शुक्ल जी का नाम रामचंद्र शुक्ल है ना, रामचंद्र शुक्ल जी की किताब के निबंध पढ़ सकते हैं, उनसे ज्यादा पढ़ें, निश्चित और शुद्ध हिंदी कोई लिखता नहीं होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ सकते हैं, पुराने लेखकों को पढ़िए, बहुत अच्छा लिखते थे। तकनीकी हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी की शुरुआत कब से हुई? प्रयोजन मूलक हिंदी की शुरुआत ऐसे तो मानी जाती है, हिंदी की शुरुआत आपकी भारतेंदु काल से होती है, मगर प्रयोजन तभी पड़ा जब वो राजकाज की भाषा बनी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की शुरुआत आपकी जब से संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया, तब से प्रयोजन मूलक हिंदी, क्योंकि तभी से हिंदी का प्रयोजन पड़ा, मतलब तब से हिंदी रोजगार के काम में उपयोग होने लगी। अब तक हिंदी भारतेंदु या कोई भी वो हिंदी के विकास के लिए काम कर रहे थे, अपनी स्वेच्छा से काम कर रहे थे, मगर प्रयोजन मूलक हिंदी जब आपकी हिंदी आपको रोजगार के अवसर प्रदान करने लगी, तब से उसकी शुरुआत हुई, यानी जब से संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया, तब से आपकी हिंदी की शुरुआत होती है। तकनीकी में हिंदी कितनी सफल है? तकनीकी हिंदी का क्लास करवाए हैं क्या आप अभिषेक जी? मैम तकनीकी हिंदी विद्यार्थियों के कोर्स में नहीं है, इस कोर्स में नहीं है नहीं है। और तकनीकी में हिंदी काफी अभी के डेट में बहुत सफल है। तकनीकी में आप हिंदी में कीबोर्ड्स निकल गए हैं, अगर आप चाहे तो हिंदी के कीबोर्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी के डेट में अगर मैं कहूँ बहुत छोटे शब्दों में, तो तकनीकी क्षेत्रों में ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ पे आप हिंदी में काम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा भी है, अभी बहुत पुरजोर कोशिश चल रही है, थोड़ी बहुत अगर शुरू भी हो गई है, कि अगर आप हिंदी में डोमेन तक क्रिएट हो रहा है, उसे डॉट भारत का एक डोमेन है, आप उसमें हिंदी में अपना ईमेल आईडी तक बना सकते हैं। तो समझ ही रहे हैं सर, आप हिंदी में ईमेल लिख सकते हैं, मैसेजेस लिख सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। तो तकनीकी में हिंदी काफी सफल है, मगर हाँ इस पर अगर चर्चा करनी है तो ये करीब 1.5-2 घंटे का क्लास है। तो किस तरह से तकनीकी में हिंदी सफल है, अगर आप इसमें वृहत रूप से जानना चाहते हैं, तो आप राजभाषा की वेबसाइट में जा सकते हैं, उन्होंने काफी इस पे काम किया है, तो आप उसमें मतलब देख सकते हैं, उन्होंने तकनीकी हिंदी में काफी जानकारियां वहां पे प्रदान की है। इसके अलावा आप तकनीकी शब्दावली को सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको शब्दावलियां मिलेंगी, तकनीकी शब्दावली गूगल में डालिए, आपको बहुत ही भरमार मिलेगी इसमें। हाँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी आर्टिकल्स आपको मिलेगी जो विदेशी पत्रिकाओं में निकलती हैं, उसे आप रेफर कर सकते हैं उन्हें, अगर आप इसमें विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आप उस तरह से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसका एक प्रॉपरली क्लास होता है सर, काफी बड़ा टॉपिक है, जल्दी बताएं। शौर सेनी अपभ्रंश से किस किस भाषा का विकास हुआ है? शौर सेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है, शौर सेनी अपभ्रंश खड़ी बोली का विकास हुआ है, अर्धमागधी से आपका इधर बिहारी और बंगाली का विकास, खड़ी बोली का विकास आपका शौर सेनी से हुआ है सर। हिंदी की 18 बोलियां, अरे इतना अच्छा बताया सर, जरूर आप इसको पुराना रिकॉर्ड जरूर देखें, मैंने अपनी एक मतलब कॉलेज की याद उसमें मतलब शेयर की, हमारे एक साहब सर ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया था हिंदी की 18 बोलियां। चलिए मैं आपके सुविधार्थ, असित पानीग्रही जी है या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, देख लेती हूँ, नहीं है, चले गए, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी सुविधार्थ वही है कि जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी है, फिर जमे मामा राज, कुमाऊनी, गढ़वाली, पहाड़ी, कनौजी, ब्रजी, बुंदेली, पश्चिम, कौड़वी, दक्षिणी, हरियाणी, और अवधी, अवधेली, अवधि, बघेली, पूर्व, भोजपुरी, मैथिली और मारवाड़ी, सॉरी मारवाड़ी, मगही, बिहारी भाषा है। ये कुल 18 बोलियां हैं हिंदी की। अच्छा सर ने लिख दी है, बहुत ही धन्यवाद। इसमें खोरठा और पंचगढ़ क्या, अच्छा और भी है क्या, हमने तो इतनी सीखी, पंच परगनिया, वाह। चलिए और कोई, और तो सारे का सारे क्वेश्चन हो गए, आपका कोई क्वेश्चन है बताइए सर, आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ नहीं सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप बोलिए, मैं इसमें पूरे दिन का क्लास ले सकती हूँ नहीं, मैं बस एक चीज जिसमें आप भाषा की बात कह रहे थे उस समय एक मेरे दिमाग में आया, जैसा हम लोग मैंने कहीं पढ़ा था इसी में का प्रयोजन मूलक हिंदी में, या हिंदी की स्थिति जब हम संविधान में पढ़ते हैं उसमें भाषा के संबंध में, मैंने एक जगह, हाँ, राष्ट्रपति का आदेश जो 1960
उसके अंतर्गत हाँ मैंने जी कहीं पढ़ा था कि भाषा के प्रयोग के लिए एक रूप शब्दावली हो, तो उसी हमें जस्ट आप जब कह रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि जब ये उनका राष्ट्रपति का जब आदेश है कि भाषा के प्रयोग के लिए एक रूप शब्दावली हो तो ये कितना उचित है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार एक शब्द के जगह पर बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है, पत्राचार में भी जन जब हम बात करते हैं, तो वही जस्ट एक मानस में आया था, उसे मैंने रख दिया। राष्ट्रपति के आदेश मूलतः राजभाषा पर ही सीमित है, वो दूसरी भाषाओं पर काम नहीं आते। राजभाषा में एक रूप शब्दावली बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मगर इसे पूरी तरह से पालन नहीं हो पाया है। वो आदेश वो इसलिए था क्योंकि अलग अलग, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य, जैसे आप कलेक्टर शब्द ले, अब यहाँ उड़ीसा में कलेक्टर को कुछ और कहते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ और ही कहते हैं। तो एक रूप शब्दावली की जरूरत इसीलिए थी कि दो राज्य अगर बात कर रहे हैं, एक जिलाधीश बोल रहा है, एक जिलाधिकारी बोल रहा है, तो क्या है कि उससे अर्थ के अनर्थ हो जाने की संभावनाएं हो जाती है कई बार। तो इसीलिए यह आदेश निकला था सर, इस प्रयोज्य से कि सब में एक रूप शब्दावली लागू हो, मगर पूरी तरह से ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि राज्यों की अपनी शब्द अपनी वो राज्यों की जो अपनी ये है, अपनी शब्दावली अलग है, अपनी राजभाषा अलग है। मगर कोशिश जारी है, और मेन उसमें जो योगदान किया जो राष्ट्रपति के आदेश ने एक रूप शब्दावली में, उस आदेश के बाद जो नए शब्द बने, अभी भी बहुत नए नए शब्द बनते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी सैनिटाइजर शब्द निकल रहा है, ठीक है, ये क्वारंटीन शब्द निकल रहा है। क्वारंटीन के लिए ना एकांतवास, निजवास, संगरोध, बहुत सारे शब्द निकल रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का आदेश है तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से संगरोध शब्द निकला है। अभी अगर कोई राज्य अपने हिसाब से प्रयोग करता है तो वो राज्य को उसकी पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि राज्य की अपनी राजभाषा है, तो आप उसमें राष्ट्रपति आदेश लागू नहीं कर सकते क्योंकि राज्य की अपनी राजभाषा है। मगर अगर आप केंद्रीय सरकार में हैं और गृह मंत्रालय ने उसका शब्द दिया है संगरोध, आपको संगरोध ही उपयोग करना है, आप नया शब्द नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का आदेश है। तो राष्ट्रपति का आदेश उसी लिए निकाला गया था कि कोई नया शब्द बने, पुराने शब्द को बदलना बहुत मुश्किल है। और फिर भी केंद्रीय सरकारी कार्यों में जितना भी होता है उसमें मिनिमम एक ही, मतलब मूलतः मूल शब्दावली एक ही होती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। कुछ कुछ होता है, स्टिल कुछ होता है, जैसे बैंकों में अलग होता है, बीपीएसयू में अलग होता है, दोनों अलग अलग शब्दावली यूज करते हैं, मगर बेस सबका एक ही होता है। और नए शब्दावलियों के लिए राष्ट्रपति आदेश बहुत जरूरी था, कि अभी जैसे वही बोली ना, जैसे ये है आपका सैनिटाइजर के लिए बहुत झगड़ा चल रहा है कि कीटाणु नाशक बोले कि जीवाणु नाशक बोले, तो अभी शायद जीवाणु रोधक पे बात फाइनल हो रही, कुछ अभी तक तय नहीं हुआ। तो राष्ट्रपति का आदेश उसके लिए जरूरी है, मगर एक शब्द लागू हो, क्योंकि अलग अलग लोग एक ही शब्द को प्रयोग करते रहेंगे तो वो मानक हिंदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ शब्द तो रूढ़ ही है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब वैध, ये आपका लीगल काम में बहुत दिक्कत करता है। आप लीगल में एक शब्द एक तरह से रख रहे हैं, दूसरे दूसरे राज्य का है, उस शब्द का कोई दूसरा ही अर्थ चल रहा है। तो उसमें क्या है कि एक केस है, वो इधर से उधर गया, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट गया, पता चला वो जिस लोअर कोर्ट से आया था वहां पे ये शब्द है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा अभी हिंदी नहीं है, मगर कभी अगर हिंदी बने तो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी नहीं, कभी हिंदी बने तो उसको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एक भाषा की वकालत की गई थी कि एक ही शब्द बने जो हर जगह पे प्रयोग हो, मगर वो राजभाषा में और किसी में वो नहीं था। वो बहुत ही, राष्ट्रपति आदेश बहुत ही लिमिटेड चीज के लिए, पहली बात राजभाषा के लिए है, दूसरी बात वो सिर्फ केंद्रीय सरकार पर लागू है, राज्य सरकार पर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और कुछ सर? नहीं मैम, बस यही से एक तो दुविधा से राष्ट्रपति अचानक से याद आ गया, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मगर हाँ, शब्दों की जरूरत है सर, क्योंकि जब आप कार्यालयीन कार्य कर रहे हैं, और इस कार्यालयीन कार्यों में उतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका जब आपको लीगल काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक एक शब्द के अर्थ से आपका पूरा का पूरा केस पलट सकता है। तो लीगल कामों में, इसीलिए लीगल कामों में अभी तक आपका हिंदी अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाया, क्योंकि हिंदी में तकनीकी शब्दावली उस लेवल पर बनी ही नहीं, और उनको जरूरत है। मतलब आप लीगल कामों में ये उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप कुछ और शब्द से काम चला लेंगे, वहां पे काम चलाऊ चीजें चलती नहीं है, क्योंकि बात बात से आपके आपके केस पलट सकते हैं, कुछ हो सकता है, और आपके वकील अगर उस भाषा में सक्षम नहीं है तो फिर वो आपके लिए और भी समस्या खड़ी कर सकती है। जबकि लीगल कामों में बहुत ज्यादा जरूरत है हिंदी में काम करने की, क्योंकि कई बार होता है वकील इंग्लिश में बात करते हैं और उनके जो मुवक्किल है उनको नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। मुवक्किल को
पढ़ने, हिंदी में क्या कहते हैं, मुवक्किल हिंदी से हिंदुस्तानी है, मुवक्किल को हिंदी में पता नहीं कहते, याचक कहेंगे क्या, याचक, याचक तो याचक को पता नहीं थी। हाँ जी ठीक है मैडम, मैडम आ गई। अच्छा मैडम ने काट भी दिया। मैं उनको माइक लग रहा अनम्यूट हो गया जी। मैम इसके इधर तो कोई प्रश्न नहीं है ना मेरे ना और किसी को कोई प्रश्न तो चलिए ठीक है, तो फिर मैं अपने पीपीटी का लास्ट स्लाइड भी ऊपर देती हूँ, वो है धन्यवाद। जी मैम, जी मैम, जी मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, हमारे विद्यार्थियों का, क्योंकि समय 5 बजे तक होता है, उसके उपरांत भी आधे घंटे हो गए हैं और आधे विद्यार्थी घंटे लगातार, लोग जी, विद्यार्थी बने हुए भी हैं, तो सबसे बड़ा साधुवाद धन्यवाद विद्यार्थियों का, जी, उसको बहुत उन्होंने बहुत अपना समय दिया। जी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आने वाले सप्ताह फिर आपसे बातचीत होगी, क्योंकि DFST के कई सारे पेपर आए यही प्रयोजन मूलक हिंदी को लेकर के, तो उसके उपरांत आपसे बात होगी। ये मेरा काफी मेरा व्यवहार क्षेत्र है, मैं 5 साल इसी में काम कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात इसमें मेरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सही बात, जी, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मैम, और आगे भी बहुत प्रयोजन मूलक हिंदी पे आपसे चर्चा परिचर्चा के लिए मैं आपको आमंत्रित करता रहूंगा, और आपसे उम्मीद है कि आप अपनी हामी भरते हुए आएंगी और विद्यार्थियों को अपना समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टेक्निकल टीम विग्ने प्रभा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैंने ज्यादा समय ले लिया आपको। अच्छा मैम आपके लिए विद्यार्थी ने लिखा, मैम को जी सुनने में मनीषा बहुत मैडम, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। जी मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप चाहें तो अपनी कॉल अपने ओर से काट सकती हैं। अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, और विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान से सुना, और आप लोग मतलब सुनते हैं इसीलिए हम कहते हैं, बाकी आप लोग नहीं हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कभी और आपसे मुलाकात होगी। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञा प्रभा मैम थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर थैंक यू टाइम सर, मैम, थैंक यू मैम। सॉरी ठीक के लेट है बोला। हाँ नहीं, किसी प्रॉब्लम नहीं। मैम, विद्यार्थियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया, आप लोगों से अनुरोध है कि कल सुबह भी 11 बजे हमारी हिंदी विषय से संबंधित एक कक्षा है, तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप लोग अपना समय दे और उसके उपरांत आप लोग पढ़े, क्योंकि लॉकडाउन का अनलॉक का समय है, घर में रहें, खुद भी सुरक्षित रहे, अपनों को, अपने को भी सुरक्षित रखे, अपनों को भी सुरक्षित रखे, उनको पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और आज की इस ऑनलाइन कक्षा से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम विघ्न प्रधान, रिकॉर्डिंग का स्टॉप कर मैम।